यकीनन लिख के दे सकता हूँ आपके कि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं कभी नहीं पहुँचता। डिस्कम्फर्ट इज द ओनली स्पेस यू विल हैव ऑलवेज विल हैव टू लिव। कि बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। मेरा ये सामान नहीं कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, जब उम्र हो जाती है तो रिश्ता पूरा हो जाता है। कुछ रिश्ते होते हैं जो ताउम्र आपके साथ चलते हैं। कुछ तस्वीरें दिखाएं आपको, बताइए जगह आप पहचानते हैं जरा। वो जो फेज रहा पूरा, जो दिल्ली का पूरा फेज रहा, उसमें मम्मी पापा तक को हो गया था कि हो गया खेल खराब। जिशान ने नहीं हंसा छोड़। तो जिशान एक बार बम्बई दिल्ली आया था उस वक्त, तो मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। 280 रुपये का बिल है और मुझे आज तक खलता है वो मेरे पैसे वजन की तरह, उसने जिशान ने दिया था। आप उस बिल्कुल पैसे नहीं थे? नहीं थे। चलिए अब दिल्ली आते हैं जी। इतना स्ट्रगल क्यों रहा 4 साल? मतलब कोई ना कोई, कभी छोटी नौकरी कुछ मिलती क्या होती, ऐसा क्यों कि इतना लंबा संघर्ष रहा दिल्ली में? यार एक तो काम भी जो था, जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो भी थोड़ा अचो भी था, अलग ही था। आर्ट की सबसे अच्छी बात है कि आर्ट का कोई पैरामीटर नहीं, कोई नाप थोड़ी है। अब तो क्या ढूंढ रहे थे हम? बस नौकरी ढूंढ रहे थे। हम तो ज्यादा मांग नहीं रहे थे दुनिया से कि हमें कुछ बहुत चांद तारे दे दो। हम कह रहे थे 20,000 रुपये की नौकरी। मैंने जिस नौकरी के लिए, जो मुझे निकाली गई, जो मुझे मिलने वाली थी, वो 1,00,000 रुपये की नौकरी आसनसोल में थी। 1,00,000 रुपये साल की नौकरी आसनसोल में। और उन्होंने बोला कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, इससे तुमको नहीं लेंगे। मैं हाँ कर चुका था 1,00,000 रुपये में आसनसोल जाने के लिए भी, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन 8,000 रुपये महीना होता वो। कोई बंदा कहीं गार्ड भी लगता है, पानी पिलाने की नौकरी करता है, उससे ज़्यादा मिलते हैं, उसको ज़्यादा मिलते हैं 8,000। मैंने कोई बात तैयार हूँ, आप तो दो भाई साहब, आप दीजिए मैं देख लूँगा। क्योंकि इसके पहले मैं जिशान को फ़ोन पे बोला था उस टाइम पे कि यार मैं ना, मैं स्कूल में मेरा बड़ा चलता था, कॉलेज में भी मैंने कर लिया था अपना, ठीक है ठीक है। मैंने जिशान को बोला मैं फुटबॉल का चैंपियन हूँ, मैं ग्राउंड बताऊँ मुझे पहले क्या है। अब दुनिया तो ग्राउंड नहीं ना, अब मैं कहाँ लात मार रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इधर गोल पोस्ट भी है कि नहीं है कि कहीं और ही जा रहा हूँ मैं, सही लग रही है नहीं लग रही, मैं मारे जा रहा हूँ, मैं दौड़े जा रहा हूँ, जंगल ही जंगल है, ना लोग आते हैं, ना कोई क्राउड है, ना कोई चीयर करता है कि सही जा रहा है, कि कुछ कोई साइन, कोई सिग्नल दिखे कि कुछ हो रहा है, कुछ नहीं मालूम नहीं है। मतलब कर चल रहा है जिशान, मतलब जिशान भी बेचारा सुन ले कि भाई होगा, कुछ हो जाएगा भाई, कुछ ना कुछ होगा भाई, आपका आप करते रहो भाई। लेकिन यहाँ पे आपने एक रेडियो कुछ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया? इंस्टीट्यूट में एक एडमिशन लिया और वहाँ पे हम आपको सीखा? जी जी सीखा। जहाँ से जो हमको किसी ने रास्ते पे भी एक बात बताई तो हम उसकी बहुत इज्जत करते, तो हमने वहाँ से सीखा, हमने सीखा, हमको लोग बहुत अच्छे मिले वहाँ से, हमको विश्वास मिला वहाँ पे, अच्छे दोस्त होना आसपास आपके बड़ी खुदा की नेमत होता है। तो वो एक अनुभव भी बहुत अच्छा रहा हमारा दिल्ली का। फिर कभी ऐसा हुआ जैसे छोटे शहर में हम अपन अपने आप को ना बहुत बड़े हीरो समझते हैं, कह रहे हमें तो सब जानते हैं, और दिल्ली आके अचानक ऐसा लगता है कि कोई पूछ नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, वहाँ पर भी उस तरह के बच्चे अलग अलग घरों अलग शहरों से, आपको कोई नहीं पूछ रहा उस फेस से गुजरा। हम तो भी ऐसे थे कि हमको घर से निकलते ही पूछे थे, हम तो भाई 40-45 लोग ना हो तो हम तो कॉलेज के अंदर भी नहीं जाते थे, हम वेट करते थे बाहर कि भाई अभी 10 ही जने हुए यार, अब ऐसे थोड़ी चले ऐसे थोड़ी चले जाएंगे बस क्या, ठीक है। डिड यू फील लॉस्ट हियर इन दिल्ली? या आई डिड फॉर सम टाइम। आई थिंक आई स्टार्टेड कॉमेडी बिकॉज ऑफ दैट, आई वाज लुकिंग फॉर ग्रुप्स। हमारे घर पे तो मतलब होली पे हमारा घर हमको ऑलमोस्ट अगले दिन बनाना पड़ता था दोबारा शुरू से, बर्तन भांडे तक टूट जाते थे हमारे घर के, हमारे माँ बाप आराम से बाहर बैठ के कि हो गया अब तो इस घर का जो होगा, ठीक है। मतलब वैसा होता था कि 40-45 लड़के हमारा। उतना बहुत सुंदर किस्सा है कि पड़ोस के घर में कोई सगाई वगाई होगी और बहुत सारी बाइक खड़ी थी, तो वहाँ से गुजरते हुए किसी शख्स ने पूछा कि जाकिर आया हुआ है क्या? तो वहाँ से जब मैं दिल्ली गया, मेरी क्लास में 12 लोग हैं इतना सही है ये इंस्टीट्यूट में, टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं और बस ऐसे छोटा सा कुछ है, और थर्सडे को और कॉलेज मतलब एक खुदा नहीं है, हम अपने तरह से कॉलेज जी के आए थे, ठीक। तो जो क्लास के लड़के लड़कियां थे उन्होंने बोला कि हम 2 दिन लेट आए थे, ये जुमरात को चालू हो गया था, हमने सोमवार को मंडे हमने ज्वाइन किया, तो 2-3 दिन का उनका कॉन्टेक्स्ट था, कुछ दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा कि चलो गाइस विलेज में चलते, हॉस्टल विलेज में था तो मॉन्यूमेंट के अंदर चलते, मॉन्यूमेंट में क्या अंदर चलते, अंदर चले गए। उसमें से एक ने बोला कि ये नया है इसकी रैगिंग लेंगे। मैं आई वाज लाइक रैगिंग का मेरा आइडिया, रैगिंग वाज प्रॉपर रैगिंग, ठीक है। मैंने कहा भाई, मेरे को लगा कि मैंने अपनी कॉलेज में भी रैगिंग नहीं दी कॉलेज में भी रैगिंग नहीं दी मैंने वहाँ पे, मतलब मैं बताने लायक बातें नहीं है जो किया वो, ठीक है। तो मैंने पूछा कि क्या करना है, तो उसने कहा कि गाना गाना आता है। मैं गाना गाना तो नहीं आता है, क्यों नहीं आता है मुझे गाना, क्योंकि
अब्बा जी ने हमारे एक दिन बहुत बेइज्जती करके हमको बोला था, कुछ तो मैं गा रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि ज़बान जो है कैसी होनी चाहिए इंसान की, किसी भी शख्स को कोई भी बात बोल रहे हो तो अच्छे शब्दों में बोलना, सही अल्फाज इस्तेमाल करना, सही लफ्ज़ कहना बिल्कुल ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर कोई अंधा है, काणा है, आँख ऊपर नीचे है, तो उसको अंधा नहीं कहते, ख़राब माना जाता है, बुरी बात है बेटा, नाबीना कहते हैं उसको, ठीक है, नाबीना कि बिनाई, नाबीना है ना, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, है ना, बस है ना, नाबीना कहते हैं, ये उन्होंने समझाया। 5 मिनट बाद पापा आए, पापा को बोले कि इस लड़के को गाने मत देना, गले से नाबीना है तो हम गाते नहीं, ठीक है। तो उन्होंने लड़कों ने पूछा कि तुम गाते हो क्या, मैंने गाते नहीं, कह रहा है शिट यार, चलो गाइस कुछ और, हमने की अरे रैगिंग तो हुई नहीं, क्या हो गया भाई, हेलो कदम मस्त, इतना ही कोई बात ही नहीं कर रहा, मिले जल लेते हो। तो जो भैयू कृष्णकांत जो है हमारा दोस्त, उसका फोन आया कि भाई कैसा है, मैंने कहा बढ़िया यार भाई, कैसे तो दिल्ली पे अपना राज है कि नहीं अब लोग नहीं बात कर रहे, दिल्ली पे राज है कि नहीं, मैं कहा नहीं यार भैया थोड़ा टाइम लगता है यार यहाँ पे ना, थोड़ा बड़ा ज़्यादा है ये अरे कर लेना, पर तू है ना कर लेना 15 दिन में, उसका तो मतलब वो लोग मान के बैठे थे कि 15 दिन हो गए भाई, 15 दिन में तो कर लिया होगा भाई ने दिल्ली में अपना राज है कि नहीं। चलिए आपके उस दौर का आपको एक मैसेज सुनवाते हैं। तो बात है 2009 की लगभग, हम लोग ARM एकेडमी और रेडियो मैनेजमेंट में पढ़ते थे, और तब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और हम लोग भी ऐसा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है। तब तो ये था कि रेडियो में नौकरी लग जाए, इतना ही कुछ हो जाए, तो जाकिर का हमेशा से क्लियर था। तो हम लोग ऐसे जब बाद में आगे चले, थोड़ा बेरोजगारी के दिन आए थे, तब भी मुझे कहता था कि यार मैं ना मेरे को फेमस होना है, और फेमस होने में इन सेंस ये नहीं किसी कुछ भी तरह से फेमस हो जाए, लेकिन उसको एक यश चाहिए था, एक नाम चाहिए था। तब तो ये भी कहता था कि अगर खुशी होना तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सी करके बिग बॉस से चला जाऊंगा। तो ऐसे ही दिन की बात है, हम लोग ऋचा जी का शो होता था जिंदगी लाइव, वहाँ हम लोग तो क्योंकि एकेडमी में पढ़ रहे थे, तो हमको वहाँ पे भेजते थे देखने के लिए कैसे हो रहा है, शूट करेंगे, जो ऑडियंस जाती है ना, ऑडियंस बन के हम जाते थे वहाँ पे, और हमारे भी एक्सपीरियंस एक्सपोजर होता था कि यार हमने देखा शूट होते हुए कैसे शूट होता है, लाइव शूट कैसे करते हैं, तो एक अच्छा होता था। उसके लिए एक और उसमें लालच होता था कि फ्री रिफ्रेशमेंट बोलते थे, तो रिफ्रेशमेंट में डब्बे में आपको एक समोसा मिलता था, एक सैंडविच मिलता था, और कुछ एक दो खाली चीजें और आती थी, और वो बढ़िया था, डील बढ़िया थी। तो वैसे एक शो पे क्या भी थी, तो वहाँ पे उस वो जो उस दिन का शो था, वो इस बारे में था कि एक कोई व्यक्ति थे जो स्टैमरिंग पे काम करते, लोगों की स्टैमरिंग ठीक करने के लिए बहुत दिनों से काम कर रहे थे, और वो अच्छा कर रहे थे लाइफ में, और अपनी लाइफ को उन्होंने बताया कैसा कि मैं भी स्टैमर करता था, और बचपन में बहुत उसकी वजह से जो जैसा होता है बुलिंग होती है छोटी बहुत, वो सब बुलिंग वगैरह उनकी काफी हुई। तो जाकिर ने पूरा शो देखा, और हम उन्होंने शो देखा, अब हो गया शो खत्म, अब जाकिर होता कि मुझे अब कैमरे पे आना, कैसे कैमरे पे आऊँगा। तो उसने हाथ खड़ा किया, उसको कैमरा आया, उससे पूछा कि अब उसको ये भी है कि अगर मैं कुछ नॉर्मल सवाल पूछूँ तो एडिट में उड़ भी सकता है। तो वो उसने तुरंत कॉज एंड इफेक्ट जैसा उसने बस ये बोला कि ये शो देख के मैं मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन आया है, पहले मैं भी जो लोग स्टैमर करते उनको बुली करता था, लेकिन अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जबकि एक्चुअलिटी में उससे कभी बुली नहीं किया, कभी ऐसा नहीं करता, मैं जानता हूँ बहुत सालों से कभी नहीं करता था अभी, लेकिन उस टाइम से कैमरा में आने के लिए उसने वो किया। अगर आपको शायद ढूंढोगे जिंदगी लाइफ का एपिसोड यूट्यूब में, शायद कहीं जाकर दिख भी जाए, पतला सा जाकर खड़ा हुआ सवाल पूछ रहा है। तो ये किस्सा है, ये मेरे डार्क पास्ट को निकल रहा है। आप एक तरह से देखिए कि आप जब और किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे, आपको मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा, आपको ब्रेक मैंने पहला ब्रेक मैंने दिया है, आपको AI भी ने नहीं पहला, अब आपको मैं दिखाऊं वो चीज नहीं यार प्लीज दिखाओ। एक्चुअली मैंने बहुत मजाक उड़ा लिया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरह के साइकोलॉजिकल और मेंटल ट्रॉमा से लोग गुजरते होंगे, एंड आई सीरियसली अपोलोजाइज फॉर दैट जो भी मैंने आज तक किया, और आज के बाद मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि कभी किसी का इस तरह से मजाक। आपको मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा। यार ये बहुत आई मेरा डार्क पास्ट है गाइस। नहीं नहीं कितना अच्छा है, कितना अच्छा है दूल्हे पतले। ये तो मैं कोई मुझे मुझे बहुत लोग फोटो भेजते हैं जान पहचान, तो शुरू से ही पीपल बहुत लोगों में यहाँ इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, उससे बात फोटो चली, तब लोग ये वाली फोटो भेज रहे होते हैं हमको कि जाकिर रिमेंबर वी वर टुगेदर, मैंने कहा मैं अनफॉलो डिलीट
ये बंदा ही नहीं हूं भाई। अच्छा, मुझे जब आखिर ने बताया इस एपिसोड के बारे में, तो मैंने अपनी टीम से कहा ये एपिसोड निकालो, और ये सेकंड सीजन का था शायद, शुरू ही हुआ था जिंदगी विद जिंदगी लाइव, लेकिन हमने ढूंढ लिया। देखिए, आपने ढूंढ लिया, देख रहे हो आप कितनी सी, मुझे मालूम नहीं था। और इंदौरी एक्टर, अब पता चल रहा है कि ये मतलब गोली दी गई है ये तो सिर्फ कैमरे पर आने के लिए। तो अब आप याद रखेंगे कि आपको पहला ब्रेक किसने दिया। मैं मुझे पहला, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हाजिर नाजिर अपनी पूरी जहनियत में कहना चाहता हूँ कि साहब मुझे पहला ब्रेक जो है वो मेरे चैनल ने दिया। उसके बाद दिल्ली में नौकरी लगी जी, रेडियो के चैनल में जी लगी। क्या किया उसके बाद आपने, वो कैसा रहा, थोड़ा रिलीफ मिला संघर्ष के दिनों? हाँ हाँ, रिलीफ मिला। हमारे उधार बहुत सारा हो गया था, बहुत सारा उधार था। तो अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जाके हमारे नौ, मतलब 5-6 महीने के बाद हमारा उधार चुका, कि जो खाने का हो रखा था, कमरे का हो रखा था। देते थे नहीं तो दिल्ली में आसानी से देते नहीं? नहीं यार, हमको, हमारा दिल्ली बहुत अलग है लोगों, हमारा दिल्ली शहर क्या है, शहर वो होता है जो आपको लोग मिले। तो हमारा दिल्ली बहुत खूबसूरत है, कि हमें जो लोग मिले ना, हमसे जो मकान मालिक मकसुद्दीन अंकल हुआ करते थे, वो इतने खतरनाक थे, तो वो जाट, ऊपर से पुलिस वाले और मुस्लिम तो वो दूसरे लड़कों को कह रहे हैं कि टांगे तोड़ दूंगा, किराया नहीं दिया, और मुझसे पूछते थे पैसे हैं तेरे पास, दे पाएगा कुछ? आपने उनको भी अच्छा से ऐसे ऐसी बात बात करके कुछ घुमा दिया होगा कुछ तो हमसे नदीम भाई हमारे होते थे, वो पानी वगैरह देते थे, उन्होंने जो घर दिलवाया हमको, कोई ब्रोकरेज नहीं ली, तो यही काम करते थे प्रॉपर्टी का, उन्होंने कभी ब्रोकरेज नहीं लिया हमसे कि घर एक कमरे दूसरे कमरे वाले। पार्थ, वहाँ पे सब लोग जानते हैं पार्थ को, पार्थ जो है वो उन खाना खिलाते थे हमको, बहुत प्यार से रखा उन्होंने हमको। टिफिन के पैसे, 30 रुपये का टिफिन आता था उसका, 4-5 हज़ार रुपये उधार हो जाता था। तो पहली तनख्वाह तो उधारी चुकाने में लगे हुए, तो पहले 5 महीने की तनख्वाह, मतलब कि थोड़ा जो भी थोड़ा उधारी उधारी ये सब वो सब कर कर, कपड़े नहीं थे, पहन के जाएंगे ऑफिस जाने, पहनेंगे क्या, 4 जोड़ तो कपड़े होंगे कम से कम, है ना। सब घर पे तो आप बेरोजगारी में, तो आप 2 शर्ट में काम चला रहे हो आप, ठीक है कि कहीं जाना है तभी तो पहने, वरना तो टी शर्ट जीन्स, हम तो पूरे टाइम घर पे तो बॉक्सर में ही पड़े और बाहर जा रहे हैं तो जो भी टी शर्ट पजामा जीन्स, हमको कोई इतना वो भी नहीं था कि तैयार हो गए जाते हैं, सब ऐसा कुछ। तो कपड़े वपड़े भी खरीदने, ऐसा वो सब खरीदने, तब जाके तो हमको कॉमेडी के बारे में 2010 से मालूम है। पर हालात ने जो हमको मौका दिया वो, जो वो 2012 मतलब 2011 दिसंबर तक हमारे पास 500 रुपये नहीं थे कि हम एक्स्ट्रा 500 रुपये निकाल के किसी कॉमेडी कैफे में रजिस्टर करके परफॉर्म कर लें, क्योंकि वहाँ पे फी, एंट्री फीस लगती थी। तब तक ट्रेजेडी ज़्यादा चल रही थी, मज़े थे वो भी दिन के, वो भी दिन प्यारे थे, ये भी दिन अच्छे वाली बात है। हाँ। एक बार बताइए, कई बार पता है ऐसे में क्या होता है, आपको पता नहीं चलता लेकिन घर में घर वालों को ताने मिलने शुरू हो जाते हैं कि लड़का क्या कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, हमें तो पता चला अभी तो उसकी नौकरी भी नहीं लगी कुछ। वो हालात आपके परिवार ने झेले क्या, कि आपकी वजह से ताने पर? झेले, बहुत झेले, बहुत झेले उन्होंने, बहुत झेले, और उन्होंने बहुत ताने मारे मुझे, ऐसा नहीं कि उन्होंने पर्सनली, उन्होंने उनको एक मिला है, मुझे 5 दिया उन्होंने, तो वो बड़ा हुआ, वो तो बहुत सुना है उन्होंने, बहुत इनको, उनको बेसिकली उस वक्त ये भी लग रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि क्यों कर रहे हो तुम ये, कि 19,000 रुपये की नौकरी मेरी लगी थी दिल्ली में 2011 दिसंबर में, मतलब 2011 में, 19,000 की नौकरी तो मुझे 2008 में मिल जाती इंदौर में, तो क्यों कर रहे हो भाई तुम ये क्या, तो उनको नहीं समझ, मैंने कहा नहीं कुछ और करना है पापा, कुछ और करना है, कुछ और करना है, बोला कि करना क्या है भैया तुझे अब सोचिए, मैं ऑल इंडिया, उसके बीच में मैं ऑल इंडिया रेडियो में मैं साउंड इंजीनियर भी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, 210 रुपये पर डे, 420 रुपये हफ्ते के, उस ऑल इंडिया रेडियो में जहाँ मैं सैकड़ों बार गया हूँ अब्बा जी के साथ दिल्ली में, तब बड़ी इज्जत मिलती होगी, और अब्बा जी के साथ कोई चेकिंग नहीं हो रही आपकी, आर्टिस्ट के साथ जा रहे हो आप, सरंगी पढ़ के जा रहे हो आप, सब आपको मिल रहे हैं, वहाँ के स्टेशन डायरेक्टर आ रहे हैं मिलने आपसे, ये वो और वो सब, और फिर अब आप जा रहे हो ऐसे साउंड इंजीनियर, आपकी आप वेट करते हो, आप बाहर खड़े होते हो, म्यूजिशियंस को देखते हो दूर से जाते हुए, एक आर्टिस्ट है उनको मैंने देखा और मैंने उनसे बात करी की, अरे मैं आपसे बचपन में मिला हूँ, कह रहा अच्छा अच्छा कहाँ कहाँ मिले हो, मैंने उस्ताद मंदिर खासन उनको पोता हूँ, कह रहा अच्छा अच्छा अरे हाँ अच्छा, तो तुम तो अनपढ़ कूड़ रह गए कि सीखे ही नहीं हो या कुछ बजाते भी हो, मैंने कहा जी मैं सितार, बोला अच्छा सितार वाले हो तुम, तुम्हें तो खासा बड़ी तारीफ करते हैं, कैसे चल रहा है रिहर्सल करते हो नहीं करते हो, छोड़ छाड़ गया था मैंने कहा वो कर हाथ दिखाओ तुम्हारा, अब हाथ तो ये तो क्लियर गवाही है कि नहीं बजा रहे हैं लड़के, मैं कह रहे बोले छिला इतनी, बोले इतना हो तो मान बहुत तुम्हारी तारीफ करते थे, अरे हाँ आजकल किसी परिवार में नहीं बजा रहे हैं बच्चे, और वो सब उसमें चले गए उस ट्रिप पे, बातें सुनाने उन्होंने पेल दिया मुझे क्यों आया मिलने, हाँ तो वो भी हमने किया है,
वो वाला भी, वो भी काम किया, बहुत सारे ऑड जॉब्स करे हमने, बहुत सारे कहीं पे कुछ किसी स्टूडियो में बैठने का ही काम किया, बस बैठना ही है, ठीक है। तो हमने हमने बहुत दिल्ली में जितने साल बेरोजगार हम रहे, मैंने बेरोजगारी में अपना नाम कर लिया था कि अगर आप किसी को नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपको पता फेसबुक वेसबुक पे ऐसा वैसा कुछ भी औरकुट औरकुट अपना माहौल जमा लिया था मैंने। ये मुझे लगा कि बेरोजगारी में कैसे जीना है इनसे सीखे। हाँ, बेरोजगारी में नाम कर लिया था मैंने अपना, भोकाल भोकाल कर लिया था हमने। तो लोग हमको लोगों को पता होता था कि आपको अगर मान लो कोई हायर करना है रेडियो में तो पहले दो एक दो तीन में मेरा नाम रहेगा आप, क्योंकि उसको ले लोगों, लड़का अच्छा है दिल्ली में रहता है। तो हम दिल्ली वापस जाने का, जब हमारा कोर्स खत्म हो गया और हमें नौकरी नहीं लगी, हमारे दिल्ली वापस जाने का आइडिया यही था कि बड़े शहर में अगर हम स्ट्रगल करेंगे तो क्या पता इंदौर में नौकरी मिल जाए। मेन तो आइडिया यही था कि इंदौर में मतलब थोड़ा सा बना रहे माहौल बन जाए। कभी ऐसा लगा कि बोरिया बिस्तर समेट के चले इंदौर, अपना घर तो है ही, सब कुछ है, नहीं हो पा रहा? पता नहीं यार, लगा ही नहीं एक्चुअली। लगता तो कर भी देते। हिम्मत थी कहीं ना कहीं, उम्मीद थी, क्या था कि कुछ ना कुछ कर हो जाएगा कुछ ना कुछ। ऐसा कभी कभी भी ऐसा लगा नहीं कि नहीं होगा कभी किसी पूरी कहानी में। आप इतने इंटरव्यूज देख लीजिए, कभी भी नहीं बोला मैंने कि नहीं होगा, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि नहीं होगा। वैसे मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत खूबसूरत शो ही बोलेंगे एक शो किया है अपनी ज़िंदगी पर, तथास्तु जिसका नाम है, आप लोग वो देख लीजिए और फिर आपको साथ में इस पूरे इंटरव्यू का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने तथास्तु देखा पहले और फिर मैं इंटरव्यू करने आई हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें इसलिए स्किप करती जा रही हूँ जो उसमें था। तो चलिए, तो हिम्मत हमेशा बनी रहे और उम्मीद हमेशा बनी रहे। उम्मीद नाम से भी आपने एक सीरीज की है कि हो जाएगा, हो जाएगा, सोचिए तो होता भी है। चलिए, अब आपकी नौकरी जब लग गई तब के दौर से किसी ने एक मैसेज आपके लिए भेजा है, गेस कर सकते हैं आप? किसने, वो भी देखना पड़ेगा। जाकिर, पता है तेरी मुझे सबसे ज्यादा याद कब आती है? जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ शाम को और सीधे मंदिर में माथा टेकने जाता हूँ, आंध्र भवन। So, you know, and I go alone. और फिर बैठ के जब मैं when I'm having the आंध्र थाली, तो मुझे तेरी वो कॉन्वर्जेशन याद आती है when you observed that कि भाई यहाँ से जो लोग निकलते हैं आंध्रा से वो कितने खुश निकलते हैं, कितने तृप्त निकलते हैं, कितने सैटिस्फाइड निकलते हैं। ऐसे तो किसी प्लेस ऑफ वर्शिप से इंसान ऐसे नहीं निकलता जैसे आंध्रा से निकलता है। और अब जोक्स अबाउट द फैक्ट दैट यू नो हाउ इट इज लाइक अ मंदिर, लाइक अ दरगाह जहां लोग माथा टेकने आते हैं, तो वो यादें मेरे साथ हैं। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी योर जर्नी। हमारे बॉस थे, इन्होंने बहुत हमको बहुत हम जीवन में हमने जब कहा कि कोई हमको मेंटर नहीं मिले, तो पहली बार अगर हमको कोई मेंटर मिले तो वो ये शरद भाई ने हमको बहुत बहुत सीखा। इन्होंने हमको एक चीज़ सिखाई कि किस्सा सच्चा, झूठा हो सच्चा हो ये जरूरी नहीं, अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। क्या बात है, अच्छे से सुनाया जाना, अच्छे से सुनाया जाना कि बात में मजा आना चाहिए, सही हुई थी नहीं हुई थी वो गई बाढ़, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बात में मजा आना चाहिए। बहुत सीखा हमने इनके साथ, इन्होंने बहुत लाड से हमको रखा। चलिए, तो अब रेडियो में नौकरी लग गई तो फिर कॉमेडी कैसे, क्योंकि मैं देख रही हूँ 2009 में तो आप हमारे शो पर आ रहे थे जी, और 2012 तक तो आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए थे, तो 3 साल में नौकरी भी लग गई। जी 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 जी, तो वो हुआ, नौकरी लग गई, उसके बाद हमने कोशिश करी कि ट्राई करें। हमको ना बेसिकली लोग कम पड़ रहे थे दिल्ली में, ठीक है, हमने उस चक्कर में बहुत जगह इधर उधर मुंह मारा, ये लोग मिलाओ यार, ये क्या थोड़ा भीड़ और जुटाओ, थोड़ा आई नो आई वांट पीपल मैन, वेयर आर पीपल, आई वांट पीपल, मोर पीपल। तो उस चक्कर में हमने कविताएं जो हम घर पे लिखते थे, मैंने कहा कहीं जाके पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा चार लोगों से बात होगी। कॉमेडी भी हमने उसी माथा शुरू करी थी कि कहीं जाएंगे कोई चार लोग मिलेंगे, अरे चार लोग मिलेंगे भाई, कुछ बातचीत होगी, वोकेशनल जैसे है ना कि वो पूरा नहीं हो पा रहा था इतने सालों से संघर्ष। हाँ, वो जो लोग नहीं इकट्ठे हो पा रहे थे, हम सत्संगी आदमी है, हमको थोड़ा सा एक थोड़ा माहौल सा बना रहे, थोड़ा 10-15-20-25 लोग हो घर में, मतलब जैसे जैसे इस घर का नाम हॉस्टल है। अच्छा। हाँ, इस घर का नाम हॉस्टल है, इसमें मतलब आप कभी भी आइए आपको फूड शेल्टर मिलता है, ये
बिस्तर हमारे घर में तकरीबन 70 बिस्तर है हमारे घर में, 70 लोग रह लेते हैं इस घर इस घर में, तो वो है तो वैसा वाला हिसाब है। तो हम उसी संस्कार से आते हैं, हमें मम्मी का आइडिया, हमारे मम्मी को मालूम है कि इस घर में अगर वो रहती हैं तो 20 लोगों का खाना बनना ही है, मतलब कि कभी भी कोई भी आ जाएगा। तो जैसे अब अभी हमने खाना खाया है हम लोगों ने, तो अब आपने बोला कि इतना सारा खाना, तो हमको मन में मालूम कि खाना खुट जाएगा भाई, ये वेस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई। कोई भी आएगा और खुले हुए लड़के हमारे यहाँ पे सब वो फ्रिज खोलने वाले लोग हैं और सब खाना ढूंढ के खुद लेने वाले लोग हैं हमारे घर पे, तो वैसा। तो दिल्ली में हमको इसका बड़ा अभाव था, लोग ही नहीं है, खाने को खाना भी नहीं है, लोग भी नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है। तो कॉमेडी भी इसीलिए हमने शुरू करी, हमने मुझे याद है जो हमारे बॉस हैं शरद भाई, तो एक कंपटीशन हुआ था इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन, तब हमारे पास 10 ही मिनट था, 5 मिनट एक में कर लिए, 5 मिनट एक में कर लिए, 2 राउंड थे हम जीत गए। उसमें पैसे मिल रहे थे 1,00,000 रुपये। तो मैं महीप सिंह करके बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे राइटर हूँ, तो वो और हम दोनों को विनर थे उसके, तो हमको एक वो मिला था इनाम टाइप का भी, तो वो मई में 50,000 रुपये हमको, मतलब कट कुट के 35,000 टाइप मिले। तो मैं जब वहाँ से निकला तो होता ना कि किनको आप फ़ोन करते हो, तो मैंने पापा को फ़ोन किया और मैंने मम्मी से बात करी और फिर मैंने शरद भाई को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि ये तो बहुत खुशी की बात है, इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर हम लोग आंध्रा भवन, हमारा फेवरेट आंध्रा भवन में, वहाँ पर एक भाई साहब हैं जो वहाँ पर खड़े रहते हैं, जो टोकन का नंबर बोलते हैं 142, 135, 37, 36, 148। उनको दिखाएंगे ले जाकर, हाँ उनको वहाँ खड़ा रहना होता है भाई साहब, वो तो वो है वो पूजनीय है वो, ठीक। तो हम दोनों वहाँ पे जाके आंध्रवान में अपना, हमारे आंध्रवान के बहुत सारे जोक्स हैं कि हाथ से खाते मजा आता है, हाथ से खाने के पूरा कि यहाँ पे इतना बड़ा, आपको समझ नहीं आता कितना बड़ा निवाला ले लूँ इसका एक बार में। तो वो हमको आंध्रवान लेके गए बहुत प्यार से। तो हम इसीलिए हम बहुत इज्जत करते हैं, जो विनम्रता हमारे जीवन में आई है वो इस वजह से नहीं आई है क्योंकि हमको बहुत जगह से दुत्कारा गया, विनम्रता हमको इस बात से आई कि हमको बहुत लोगों ने, हम लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने हमारा हाथ थामा, जिन्होंने हमको एक सीढ़ी चढ़ने में मदद करी, तो वो लोग बहुत सारे हैं उन्होंने से किए। क्या बात, इतनी देर से आपने दूसरों के लिखे हुए शेर सुनाए और मुझे लगा कि एक बार तो दिल से कोई अपना लिखा हुआ भी सुना दीजिए पहले इन सब लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बहुत साथ दिया। इन सब लोगों के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा अभी तक, कभी भी तो वैसे ही कुछ शेर अपना लिखा हुआ, अपनी कोई कविता या कुछ शायरी। आप इतना अच्छा, आप इतने बड़े लोग हैं, कहाँ हमारी हैसियत है। देखिए हाँ और क्या, कुछ कुछ तो अपना पहला कुछ याद, पहली कविता जो मुझे बेहद पसंद है वो है शून्य पे सवार, वो आप जब शायद इंदौर से दिल्ली जा रहे थे तब लिखी थी ना। जी 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 जी, तो के ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, वो रात से था डर गया, वो शाम को था ढल गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, कि हूँ राम का सा तेज मैं, लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूँ आराधना सबसे जो मैं महान हूँ, ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, शून्य पे सवार। क्या बात है, ये आपने किस उम्र में लिखी? ये जब मेरे ख्याल से 21-22 साल। अच्छा, तो अब क्या, अब ये इस फेज को कह सकते हैं कि देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, या फिर जब मुंबई आए तब भी संघर्ष उसके बाद तो वैसा नहीं देखा ना, जो दिल्ली जैसा संघर्ष तो मुंबई में नहीं करना पड़ा। यार हमको ऐसा लगता है कि दिल्ली में भी, मतलब अगर हम वो जो 2010 का साल अगर हम निकाल दें तो उसके अलावा हमने कभी भी, हमको लगा नहीं कि खराब चल रहा है, हम बड़ा AAA की लाइफ जीते हैं, हम टकड़ा एटीट्यूड बिल्कुल एकदम अपना, हमको लगता है कि सही चल रहा है, हम किसी को भी कुछ भी मना होना, काम के लिए किसी को भी मना कर देते हैं, कोई हमको वो नहीं है, काम में बहुत अलग आदमी हम। अच्छा, जीवन बहुत सरल व्यक्ति, हम्बल वो सब है, काम को लेके बिल्कुल हमारा वैसा वाला है कि डिफिकल्ट टू डील विद। नो मना कर देते हैं हम। अच्छा। मना करूं व्यक्ति हम। अच्छा, मन नहीं कर रहा कि नहीं करेंगे, वो नहीं करते, मन नहीं, वो सब नहीं करते हम कि पहुंच के नहीं किया, हाँ कर दिए तो फिर करेंगे, फिर तो पूरा करेंगे, और वरना हाँ ही नहीं करेंगे, हाँ ही नहीं करते हम, जैसे कि इंटरव्यू हम देते नहीं है सबको। हाँ, नहीं जनरली हमारा रोज के डीएम में 5 मैसेज है कि हमको इंटरव्यू, ट्रूली ऑनर्ड और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो बेसिकली उसके बाद दिल्ली का फेज भी बहुत अच्छा था, आई थिंक वो जो जॉब छोड़ने का जो डिसीजन था
वो एक बड़ा फैसला था। और छोड़कर मुंबई आना है? मुंबई आना तो हमको था कि हमने हमारे उस वक्त हमारे दोस्तों में बोला भी था कि आप मुंबई जाएंगे, ऐसे बोल दिया था। कुछ प्लान नहीं था, कुछ नहीं मालूम था कैसा होता है क्या नहीं होता है। हमको फ़ोन आया था एक बार हमारे ऑफिस में ही इंटरनल ट्रांसफ़र का, तो हमने अपनी 150% अप्रेजल मांगा था हमने कि मुंबई आएंगे तो यार खर्चा लगेगा। हम आप सर कि पता नहीं, उन्होंने बोला नहीं जाकिर ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा इट्स ओके देन, आई एम ओके हियर, आई हैव अ सिस्टम हियर एटलीस्ट। ना सीख ली थी आपने, मतलब इंदौर के जाकिर ने दिल्ली वाली भाषा सीख ली थी। हाँ, वही तभी तो मैं कहता हूँ कि दिल्ली में जो थपेड़े पड़े तो सीख गए। एक बार एक आदमी ने उनको बोलता कि हमको कुछ काम लिखवाना है आपसे, और ज्यादा पैसे तो नहीं होंगे। मैंने कहा सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, मैं आपको लेट मिला। आप मुझे 3 साल पहले आप मिलते ना, जब मैं इंदौर से ट्रेन से उतरा तब मैं करता ये काम बिना पैसों के, कम पैसों। ऐसे स्मार्ट स्मार्ट बहुत जवाब है मेरे पास। एक बार किसी ने बोला कि अरे इस महीने आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए शो में, है ना, अगले महीने। ये सब दिल्ली में जवाब देते थे लोग, अब नहीं करता मैं सब बात, ठीक है, अगले महीने हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे। मैंने कहा अगले महीने तो मैं कॉमेडी छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ आपको जो भी आपके मन में पैसे इस शो में ही कर लीजिए, अगले महीने से तो मैं बंद कर रहा हूँ चूज़ कर। क्योंकि मैंने म्यूजिक में इतने मेरे पैसे खुटाए हैं, इतने पापा के दोस्त अब्बा के दोस्तों के साथ मैंने काम किया जिन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। मैं कॉमेडी में मैंने एक रुपया नहीं, मेरा घाटे में गया। मैं कहा भैया बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों के पैसे खा जा रहे लोग यार। बता वो उसी में कि धन्यवाद राशि दे रहे हैं, है ना, 300 रुपये रिहर्सल, 500 रुपये प्रोग्राम, उसमें से भी टोटल जो हो रहा है वो 2000 रुपये हो रहा है, दे रहे वो 1100 है कि बेटा रहे आप तो छोटे हो, आपको क्या पैसों की ज़रूरत है, कोई बात नहीं। इस्माइल भाई अरे बच्चा बजा रहा है यही कितनी अच्छी बात है, 11 साल का लड़का, बुरा तो लगता है यार आप, अरे दे ना यार पैसे जो बात थी। तो हमारे इतने पैसे खुटे म्यूजिक में कि अब हमने यहाँ सारा बदला निकाल लिया। फिर AIIB में आपको मुंबई में नौकरी लगी जी, और उसके बाद से फिर तो कह सकते नो लुकिंग बैक। हाँ मतलब वो मतलब ज्यादातर लोग मुंबई आके अपने किस्से सुनाते हैं कि खाने को नहीं कुछ था, स्ट्रगल नहीं था, एक रुपए का स्ट्रगल नहीं किया मैंने यहाँ पे। पहले दिन जो मुझे घर मिला वो 2 BHK था एक सर्वेंट के साथ, ठीक है। मतलब 2-4 दिन खैर इधर होटल में मैं रहा, ऊपर से तनख्वाह भी माशाल्लाह जो 1.5 लाख रुपए महीना बिल्कुल साफ। अब ये कौन से साल की बात है, 2015 की बात है, और तनख्वाह उसके पहले की थी कि आखिरी तनख्वाह 31,200 रुपए पे छोड़िए नौकरी, और 5 गुना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में जो तनख्वाह उठाई है 4 महीने 1.5 लाख रुपए की उठाई है, ठीक है। क्या चाहिए जिंदगी में, वो भी निगोशिएट भी हम कर लेते हैं। हम एक चीज जो हम बहुत सुंदर बताना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में जब लोग बात करते हैं तो रिस्क के बारे में लोग सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं। आई हैव मेड 5 times मोर लॉसेज बाय टेकिंग रिस्क देन द प्रॉफिट आई हैव मेड, बट आई एम ओके विद दोज लॉसेज because I took those risk. And you learned a lesson? It's not about lesson. Hmm. It's a risk you take. And then you not regret it. That's the game. यही है खेल उसका। कि आप risk जब ले रहे हो तो you should be okay with the loss. कि हाँ ये तो नहीं हो पाया। अभी जैसे हम काम करते हैं साहब, किसी ने बोला 5 रुपये, आपने बोला 15 रुपये, ठीक है, उसने बोले 7 रुपये, आपने बोले 12 रुपये। अब आपको लगता है कि नहीं ये 12 रुपये देगा, ठीक है, आपको पता है कि वो दे सकता है 12 रुपये। उसने बोले 9 रुपये, आपने बोला नहीं 12 रुपये। 9 रुपये भी कोई बुरे नहीं है, पर 12 रुपये वो दे सकता है शायद इस काम के। अब आप वहाँ पहुँचेंगे कि 12 रुपये मिल सकते हैं आपको किसी भी काम के। अगर आपको 12 रुपये मिल जाएंगे तो आपको आगे से फिर 12, 15, 25 ही होगा। 10 के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है अभी, अभी इस वक्त 10 के ऊपर जाना बहुत जरूरी है, तो 9 में नहीं चलेगी बात, वो मना कर देगा। अभी रिस्क है, वापस आएगा वो या नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो ना आए फिर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं ये बैठा रहा था कि यार अच्छे बोले 9 रुपए मिल रहे थे यार, ये मिल सकते होते हैं, हाँ अच्छे बोले 9 रुपए मिलते, क्या क्या फर्क पड़ता है, कर ही आते क्या, क्या वो कर आते, अरे 2 ही दिन का तो काम था, अच्छे बोले 9 रुपए। मैं ये नहीं करता बिल्कुल भी कि वैसा वाले कि मैं जरा ही सही मेरा वजूद तो हुआ करे समंदर में, क्लास में नहीं बना कोई बात नहीं, ठीक। तो वो रिस्क लेने की जो एबिलिटी है वो मुझे लगता है कि वही है मेरी सबसे बड़ी खूबी, वही है जो मुझे सबसे ज़्यादा मदद करती है, वही है जिसने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाया। उसी चीज़ ने मेरा बहुत नुकसान भी किया, पर मेरा फ़ायदा इतना ज़्यादा होता है कि नुकसान क्या गिनेगा आदमी उसके अंदर। एक बात बताइए, अभी आपको सुनकर ऐसा लग रहा है, ज़्यादातर क्या होता है ना, आर्टिस्ट जो लोग होते हैं कहते हैं कि भाई हम क्रिएटिव लोग हैं, हम पैसों की बात नहीं कर पाते। नहीं, आप कर लेते हैं? मैं बिल्कुल कर लेता हूँ।
वो तो, मतलब ये थोड़ा मैं मतलब बहुत रेयर होता है ऐसा कि मैं देखूं कि आर्टिस्ट पैसों मुझे मुझे बहुत मुझे बहुत गुस्सा आता है उस बात से जब आर्टिस्ट कहते हैं कि उनको पैसों की बात करने नहीं आती, तो मुझे बहुत चिढ़ होती है, मुझे भयंकर कोफ्त है उस बात से जब आर्टिस्ट ये कहते हैं कि उनको पैसे की बात माना जाता है क्रिएटिव लोग पैसे बिल्कुल ऐसा कुछ माना जाना है तुमको इतना डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट बजाना था तुमको पैसे की बात करनी नहीं आ रही, जमाने भर की बातें करनी आ रही तुमको पैसे की बात करनी नहीं आ रही, ये क्या हरकत है, कल्चर खराब कर रहे हो आप। आर्ट के अराउंड का जो कल्चर है, जो बच्चे सीखते हैं, जो नए हैं, जिनके घरों में ज़रूरत है, उनके लिए आप माहौल ख़राब कर रहे हो आप जब आप बोलते हो मुझे पैसे की बात करनी नहीं आती। आपकी कोई बड़ाई नहीं है उसके अंदर कि वो आप तो इतने संत महात्मा हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वो है कि आप ऐसा बोल सकते हो, आप उसके नीचे का जो माहौल है ना वो ख़राब कर रहे हो आप ये बोल के कि आर्टिस्ट को तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं होती। मुझे पर्सनली बहुत बिल्कुल मैं उसको आप अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स या जो बिजनेस डीलिंग्स हैं आप कर लेते हैं, काम जैसा काम है, मैं अपने काम की सारा इम्पॉर्टेंस समझता हूँ, अपने काम की निटिग्रिटीज माइन्यूट डिटेल्स क्या है। मेरा कोई जजमान नहीं है, मैं किसी का वो नहीं हूँ, ठीक है, किसी मेहमान नहीं हूँ, ना मेरा कोई जजमान है, ठीक है, ना मुझे किसी की सेवा चाहिए, है ना। पहले का कल्चर अलग था, आर्टिस्ट यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन पीपल हु प्रेज यू और वन पर्सन हु प्रेजेस यू, हर आदमी मेरा जजमान है अब तो, जिस 500 रुपये की टिकट है 500 रुपये में मैं आपका मेहमान हूँ। किसी भी आर्टिस्ट को इतनी निटिग्रिटी जाननी पड़ती है उसके आर्ट की, और आप बोल रहे हो कि मुझे पैसे समझ में नहीं आते, आधा घंटा लगाओ आपको सब समझ में आएगा, आधा घंटा है ज़िंदगी का आपको, आप बिल्कुल बड़प्पन नहीं है उसके अंदर, बहुत छोटी हरकत है वो ये कहना कि मुझे पैसे समझ में नहीं आते, क्योंकि आप ये बोलकर, आप जिस ओहदे पे हैं आप ये बात बोलकर आप पूरा पूरे पूरे आर्ट स्ट्रीम का कल्चर ख़राब कर रहे हैं आप। तो जो छोटे बच्चे जो सीख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जिनके घरों में ज़रूरत है, वो जब अपना कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, तो उनको लोग बोलेंगे कि यार आर्टिस्ट तो पैसों के लिए यार कैसी बातें कर रहे हो यार, है ना। जिनके घरों पे जिनको गाने के लिए लड़के जो जिन लड़कों को घर पे बुला लेती हैं, अरे यार सिंगर महफिल है यार आ जाओ यार, आर्टिस्ट तो क्या महफिल ही तो चाहता है, श्रोता श्रोता चाहता है, हम तुम्हें श्रोता, अरे नहीं चाहिए एक्सपोजर यार, एक्सपोजर में थोड़ी पेट भरता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है उन सभी लोगों के लिए जो आर्टिस्ट को, खासकर म्यूजिशियंस को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहते या उनको उनकी फीस उनका ड्यू नहीं देना चाहते। तो इसलिए हम, और वो चिढ़ हमारी जो बचपन से हमने देखा है, जिस कल्चर में हम रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे हाँ पापा में भी यह हरकत नहीं है, है ना, तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता हमको जब ऐसे जब कोई एज आर्टिस्ट पेटर्नाइज करता है मुझे, तो मेरा वही कि मेरे से बराबरी की बात करो, प्रोफेशनल बराबरी की बात करो, मुझसे मुझसे बड़ा कोई कोई भी मत बनो, बराबरी की बात करो मुझसे, तो दुनिया का कितना भी बड़ा अफसर हो, कोई भी नेता हो, बराबर में बैठो मुझसे, मैं उनसे वो पूछता हूँ कि और क्या चल रहा है, मैं बिल्कुल भी उसमें नहीं रहता कि बहुत एहसान आपका, मैं सिर्फ आर्टिस्टों से वैसे रहता हूँ, मैं आप ज्ञान में मुझसे बड़े बनो, आप ओहदे से तो मैं किसी को बड़ा नहीं मानता, इसीलिए कि बराबर की बात करो आप। एक बार हम एक शख्स के साथ खाना खाने बैठे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फलाने को भी खिलाया, ढिमके को भी खिलाया, उसके साथ भी रहे, वो भी उनके घर आके रहा, वो भी उनके घर आके रहा, तो उस दिन के खाने के पैसे हमने जाके दे दिए, हमने बोला आपने बहुत आर्टिस्टों को खिलाया, आप एक का खा के जाइए आप, क्या बात है। तो हमको तो हम कर लेते हैं, हमने सीखा है, हमको भी आता नहीं था। एक बात बताइए जाकिर, यहाँ एक दूसरा सवाल भी है, म्यूजिशियंस को तो मैं कहती हूँ कि शायद लोग एक बार फिर भी सीरियसली ले लें, स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे तो मतलब ऐसा लगता है कि अरे ये तो कहीं भी आके जोक सुना देगा, इसका तो काम ही है लोगों को हंसाना, तो कहीं भी जाओ, तो वो तो आपको बिल्कुल भी सीरियस प्रोफेशनल की तरह नहीं लेना चाहेंगे, ये भी आपने सामना किया होगा इस सिचुएशन का बहुत बार। हम इट्स अ कलेक्टिव प्रोफेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब लोग मिलके ही काम करते हैं उस कल्चर को, मुझसे पहले के जो लोग रहे, मेरे साथ के जो लोग हैं, मेरे बाद के भी जो लड़के हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने भी उस इथॉस को पकड़ के रखा है कि नहीं करते हम फ्री में, माशाल्लाह से इस काम में पैसा है, शुरू से ही पैसा है, पैसे लेके करते हैं, सिर्फ पैसा नहीं, कई बार इज्जत या सीरियसली लेना, वो मेरे ख्याल से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाता था, मैंने शुरुआती दौर में पार्टियों में जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल वो हरकत पसंद नहीं है कि हे एवरीबॉडी गाइस जाकिर खान इज इन द हाउस एंड ही इज वेरी फनी, भाई जोक सुना दे। तो ये मैंने उस वक्त मैंने पूरा वो पब्लिक आउटिंग ही 3-4 साल जब तक नाम नहीं हुआ था वो बिल्कुल अवॉइड करी, और मैं असल ज़िंदगी में बड़ा ही चुप रहता हूँ, कम बात करता हूँ, बहुत सलीके से बात करता हूँ, तो लोग उसी में डरते कि अरे आप तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो मैं कहा तो क्या करूँ है ना तो वैसे भी हाँ वो आदमी कुछ बोलता भी नहीं ज़्यादा, हर कोई विश्वास नहीं करेंगे। मेरा अगला सवाल था कि क्या आप एक्चुअल अपने रियल लाइफ में इंट्रोवर्ट हैं? हाँ बहुत, वो तो बचपन से ही इंट्रोवर्ट है ना, तो ये तो सारा ये अक्वायर्ड स्किल्स हैं, सब जिरे बख्तर जो लगा है वो जंग की दुनिया जिसका नाम है जंग, उसको लड़ने के लिए सब एक्वायर्ड है, वरना तो है तो वही, अभी भी बोलना नहीं आता है, अभी भी अटकता हूँ, इतना सीखा हुआ है सब कुछ, इतना प्रैक्टिस किया हुआ है कि बोल पाता हूँ, वरना तो इतना
अपने जब मन के भाव किसी को बताने हो, जब प्रेम किसी को जाहिर करना हो, तो ऐसा अटकता है बार बार, ठीक है। किसी को कहना हो कि यार तेरे साथ बहुत अच्छा लगता है, किसी दोस्त को कोई बात कहनी हो तो बड़ा ऐसा लगता था। मुन्नी नियाज़ी की गज़लें नज़में याद आती कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ठीक है। ज़माने को बताने की बहुत बातें, पर अपने दिल की बात कहनी हो तो एकदम ऐसे हाथ कांपते हैं तब, तो वो क्योंकि वो असली आता है ना आपका बाहर, वो अंदर का होता है। चलिए तो थोड़ी जब सीरियस बात हो रही है, तो एक और चीज़ मुझे, मैंने नोटिस की आपके कुछ में परफॉर्मेंसेज जब देख रही थी, कुछ चीज़ों को लेकर आजकल ना मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से हम लोग बहुत ओवर सेंसिटिव भी हो गए हैं। कुछ चीज़ें जब पहले ऐसे मजाक में एक दूसरे को बोलते थे, अब कोई बोल दे तो लोग एकदम से भड़क भी जाते हैं। उन दोनों चीज़ों को लेकर आप अपने पर ही काफ़ी जोक्स कर लेते हैं, रिलीजन और बॉडी। आजकल हर बात में बॉडी शेमिंग की बहुत बात होती, पहले तो बोल देते थे अच्छा वो लंबा, वो काला, वो मोटा, अब नहीं लोग बोलना पसंद करते, बोलना भी नहीं चाहिए। ये दो जोक्स आप खुद के ऊपर, या कभी आपको लोग नहीं कहते कि आप ऐसे कैसे अपने मुसलमान होने पर आप ऐसे कैसे जोक मार रहे हो खड़े होकर? अभी मैंने कुछ तथास्तु में शायद कहीं पे आपने कुछ बोला, अब मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस याद नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो, क्योंकि कॉमेडी का एक जो कोर होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म से भी आता है, वो आपका किसके पहले कि कोई और मुझे कुछ खराब बोल दे, सबसे पहले मैं ही कह देता हूँ, क्योंकि मेरा तो, मैंने जो मेरे बारे में सुना है वो आप कह भी नहीं पाओगे, ठीक है। आपके सोचे जाने से 5 गुना ज़्यादा मैंने सुना हुआ है, तो उस 5 गुना जो मैंने सुना हुआ है, ये आप अपनी अपीयरेंस को लेके कह रहे हैं? जी, जो भी जिस भी बात को लेकर, उसमें से सबसे लोएस्ट बात, ये सब लोग ही करते हैं, जिनको भी थोड़ा भी जिनको इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो इसका इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले वो जो लोएस्ट बात है पहले वही कह देंगे। तो अब जो भी आदमी बोलेगा इसके ऊपर तो बोल, इसके ऊपर ही बोल पाएगा, नीचे तो बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है कि मैं कितना सुन चुका हूँ। तो एक तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म से वो चीज़ आती है वो। दूसरी बात, अपीयरेंस है उतना मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कभी कि कमतर हम आके गए, हमको लोगों ने मोहब्बत बड़ी करी, हमको बहुत प्यार मिला है माशाल्लाह। लेकिन आप अपने ऊपर मजाक करते रहते हैं जोक्स? मैं शुरू में करता था, क्योंकि जब मैं दिल्ली गया, पुरानी देखे हैं, हाँ, जब मैं दिल्ली गया तो मैंने वहाँ पे लोगों को बड़ा कि फलाने को, तो जैसे ये बड़ी एक चलन की बात है कि अरे इसको तो हम ड्राइवर भी ना रखें अपने घर, कैसे तय होगा कि वो ड्राइवर क्यों नहीं रखोगे तुम? फलाना अरे इतना गुड लुकिंग आदमी है और वो वहाँ पे वो कर रहा था, अरे तुमको तो कहीं भी कुछ क्या, उसका वही है भाई, उसका क्वालिफिकेशन ही उतना है तो वही करेगा ना वो। लुक से जज करते हैं, लुक से काम का लेन देन है कि इसको तो हम ये नहीं रखेंगे, वो रह गए तेरे यहाँ पे। तो मैंने लगा यार ये है प्रॉब्लम कॉमेडी कॉमेडी में, तो पहले एड्रेस अप टॉप, कि सबसे पहले शुरू में कि भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा, छोड़ आगे। आपने उसका ना, आपने उसको बिल्कुल वो कर दिया, सारे उसके हथियार छीन लिए पहले। हाँ एग्जैक्टली, वो जो जजमेंट लेके बैठा था पहले, तो वो हाथ से लिया उसके, इधर आ छोड़ो पहले, रखो यहाँ पे। तो वो वैसे करना शुरू किया, और ऊपर से राइटर हैं बचपन से ही, तो इंटेलिजेंट राइटिंग का हमको बड़ा शौक है, है ना। हमको रिलीजियस सेंसिटिविटी बहुत हद तक हमको समझ भी आती है माशाल्लाह से, हम उसमें ठीक ठाक पले बड़े हैं, हम अलग अलग, हम क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के पढ़े हुए हैं, सारे दोस्त हमारे हिंदू हैं, सारे जिंदगी सितार बजाए मंदिरों में हम पले बड़े हैं, मुस्लिम मोहल्ले के हम रहे हुए हैं, हमारी मम्मी बहुत रिलीजियस औरत है, तो हमने बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें, और हमने देख लिया सब सेम ही है वो, मतलब ठीक है। चलिए तो आपके साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं जी, शुरू, रेडी? जी रेडी। और जवाब बिल्कुल ईमानदारी वाले होने चाहिए, अगर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ जी। इंदौर या मुंबई? मुंबई, क्योंकि कर्मभूमि है। नहीं नहीं नहीं, जहाँ जिस वक्त जहाँ रहें वहाँ की भेद भी नहीं करनी चाहिए। क्या बात है। फेम या पैसा? दोनों से उतना फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, लोग, तो वो तो फेम, हाँ मतलब लोगों का प्यार। नहीं, लोगों का फेम इज अलग, लोगों का प्यार अलग। अच्छा, लोग आपके लोग। अच्छा। सुख और दुख जो है ना वो इस बात से तय होता है कि आपके लोग कितने हैं। अगर आप बहुत कम कमाते हैं और आपके लोग हैं आपके आसपास वो खुश हैं, आप खुश हो, तो सुख होता है वो। बहुत पैसे हैं और आपके लोग नहीं, बहुत सारे अमीर लोग जो पूरे एंग्जाइटी में रहते हैं पूरे टाइम, किसी भरोसा ही नहीं कर पा रहे 4 लोगों पे, क्या जिंदगी है ये, दुख है वो तो पूरा लोग। इंदौरी पोहा या मुंबई का वड़ा पाव? भाई वड़ा पाव, मैं बॉम्बे का अच्छा मेरा सौभाग्य नहीं रहा खाने का, और पोहा मैंने जीवन के बहुत साल खाया है, मैं रोज खा सकता हूँ तीनों टाइम, तो पोहा यहाँ जीतेगा साहब। ठीक है। लिखना या परफॉर्म करना? तो वैसा है कि लिखना जो है वो मैं अपने लिए करता हूँ, सारी कविताएं वो मेरे मन के जो अंतर्द्वंद हैं उनके बारे में होती है, तो इसलिए वो है। और परफॉर्म करना तो वो लोगों के लिए, तो वो तो जिस वक्त मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरता हूँ मैं परफॉर्मेंस फेस में।
धर्म या आध्यात्म? I'll go with science. विज्ञान जी. कर्म या भाग्य? ट्रेन में एक बार मैं आ रहा था इंदौर से दिल्ली, तो कई बार रिजर्वेशन में होता था, कई बार नहीं होता था, जनरल में आ रहे हैं, तो एक साधु मुझे मिले और उन्होंने बोला कि इधर आओ, तुम्हारा हाथ दिखाओ. उन्होंने हाथ दिखाओ, उन्होंने हमको ऐसी बहुत जेनरिक बात बोली. उन्होंने बोला कि तुम्हारे हाथ में प्रसिद्धि, ऑफकोर्स प्रसिद्धि, वही महफिल लगा के बैठे. हाँ और क्या बोले, लेकिन तुम्हारी प्रसिद्धि जो है वो कर्म की रेखा से जुड़ी हुई है. तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमको कितना प्रसिद्ध होना है. तुमको गली में प्रसिद्ध होना है, घर में प्रसिद्ध होना है, मोहल्ले में होना है, शहर में होना है, प्रदेश में होना है, देश में होना है, विदेश में होना है, विश्व में होना है. तो जितना कर्म करोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा बेटा. पर तुम्हारे हाथ में प्रसिद्धि तो है. तो वहाँ कुछ हो नहीं रहा था. मैंने कहा अरे ये कितनी जेनरिक बात है, जितनी मेहनत करो उतना फल मिलेगा. मैंने कहा व्हाटएवर. पर वो बात हमने फिर उसके बाद आने वाले सालों में हमारे वो जहन से वो बात गई नहीं. तो हमको इसलिए लगता है कि पूरे टाइम जो है जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा, जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा, उतना मिलेगा. उसका फायदा ये रहा कि हमको ऐसा लगता है कि जितना भी हमको मिल रहा है वो हमको मेहनत से मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा वो भी हमको लग रहा है कि मेहनत इनफ नहीं करी है. तो भाग्य पर नहीं जाते हैं, भाग्य को नहीं कोसते. नहीं, पर बिना भाग्य के होगा ही नहीं वो. जो अगर आप बिना आपके लोग जो आपसे प्यार करते हैं, अगर आपके हक में दुआएं नहीं करते, बिना इस बात के कि आपको अगर उस बात के शुक्रगुजार नहीं है कि अल्लाह ने आपको उस मकाम पे पहुंचाया है. वरना जितनी मेहनत मैं करता हूं, और ये हर आदमी जो भी किसी जिंदगी में ठीक ठाक कर रहा है, सेम बीट्स के साथ कोई बहुत अटरली फेल हो सकता है, सेम बीट्स के साथ कोई अटरली सक्सेसफुल हो सकता है. तो उसमें कुछ है नहीं. आपका ये जो वो है ना कि मैं, ये शहर किसने बसाया, मैंने, ये देश कौन सा, मैं, वो उतना नहीं है वो. इसलिए भी सब लोग बोलते हैं ना कि अरे बड़े लोग कितने ग्रेटिट्यूड से रहते. प्रॉब्लम यही है, आपको समझ में आने लग जाते कि अरे भाई ये तो किधर भी जा सकता था. मतलब ये ट्रू, बहुत सही बात है. परिवार या दोस्त? मेरे दोस्त परिवार जैसे. हमारा घर खुला घर है. हम, मेरे माँ बाप जब मेरे दोस्तों को खाना खिलाते हैं तो वो इस बात में फ़र्क नहीं करते हैं कि वो मुझे खिला रहे हैं कि मेरे किसी दोस्त को खिला रहे हैं. मेरे भाई जैसा मेरा मान करते हैं, वैसे ही मेरे दोस्तों का मान करते हैं. अगर आप मुझसे मिले हैं, मेरे थ्रू मेरे भाइयों से मिले हैं, तो जो भी अदब मेरा होगा वो अदब, वो अरकान आपका किया जाएगा. तो मेरे परिवार में, मतलब इंदौर में, अगर अभी मम्मी पापा के साथ, पर चार दिन पहले इंदौर में था मैं. इंदौर में हमें याद ही नहीं है कि पिछले 10-15 सालों में ऐसा हुआ हो कि मैं, मम्मी पापा, बस हम घर के अंदर. हमारा घर भरा रहता है. कितनी अच्छी बात है ना. हमारा घर भरा रहता है, मतलब 17-18. अरबाज के दोस्त हैं, छोटे छोटे हैं वो. तो अरबाज बहुत छोटा है हमसे, छोटे छोटे लड़के. वो अरबाज भी नहीं है, वो बैठे रहते हैं कि नहीं भाई आया भाई. बैठे रहते हैं वो लोग, दो बजे रात को टिके हुए वहीं, ऐसे बैठे हुए जमीन में, कोने में बैठे हैं, ऐसे बैठे रहते, दिखते रहते हैं. तो परिवार और दोस्त में कोई फर्क नहीं है. जी जी जी, बिल्कुल. वाकई में ये आपके एक दोस्त ने कहा मुझसे कि आपसे पूछूं, ट्रेन या फ्लाइट? यार ट्रेन में बहुत मजा आता है यार, एक थोड़ा सत्संग सा बना रहता है, एक लोगों से बातचीत वगैरह कुछ चालू रहता है. ऊपर से आप क्या करते हैं, अच्छा अच्छा, अरे वाह, आजकल का तो माहौल बड़ा पॉलिटिक्स की सारी बातें हमने ट्रेन लोग खाना तक शेयर कर लेते हैं. बिल्कुल, हाँ हाँ, आप बहुत सुंदर है वो तो. फ्लाइट में थोड़ा सब, सो एवरीबॉडी इज हॉची टॉची, इज लाइक हेलो हेलो, हाय हाय, ठीक है. अब आपने पहना हुआ कुर्ता पजामा या टी शर्ट? पजामा हमने बहुत ज्यादा पहन लिया जीवन में, तो बिल्कुल मेरा हो गया है. वो वैसी वाली बात है कि कबाब पसंद खाया हुआ है मेरा. हाँ, मेरे को पास्ते बताओ किधर मिलते हैं. कॉमेडी या शायरी? कॉमेडी का तो कैसे मना कर सकता हूँ कि मैं कॉमेडी, मतलब. अच्छा, अभी बहुत ऐसा सवाल है जो, भीड़ या तन्हाई? तन्हाई तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे. अच्छा, कभी हाँ. भी ऐसा नहीं लगता कि चलो थोड़ा मी टाइम, रात को बोलते हैं लोग मी टाइम, अकेले बैठो. मी टाइम इज अ पर्सन, दैट पर्सन हैज टू बी देयर इन मी टाइम. है कोई भी? फिर वही बात, जादूगर से कभी नहीं. आपने कितनी बार घुमा दिया, जो बहुत सारे की हमने बात कर ली. अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी तो बता दीजिए. नहीं मतलब, नहीं बताना क्यों बताए? ठीक है, कि है तो भी वो मेरे हिस्से का है, नहीं है तो भी वो मेरे हिस्से का है. क्या ठीक है. फेवरेट एक्टर आपका? मुझे इरफान भाई बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार था उनसे. ऑल्सो क्योंकि अब वो नहीं है, तो और ज़्यादा उनकी अहमियत, उनकी कीमत, वो कितने ज़रूरी थे और उन्होंने क्या काम किया, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ और करियर चॉइसेस ली, वो भी बड़ी खूबसूरत मुझे लगती हैं. और मेरी तो ये खुशनसीबी, सौभाग्य रहा कि मैं उनसे 4-5 बार मिला. पूछने वाली थी मैं उनसे, बहुत और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे रखा है. फ़ोन किया था उन्होंने एक बार मुझे, ठीक है, मनप्रीत उनकी एक मैनेजर है, उसने बोला कि सर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू.
देखा तुम्हारा वीडियो यार, बहुत अच्छा लगा यार, मजा आ गया यार, तुम यार तब वो आने वाली थी मदारी, कह रहे आओ यार स्क्रीनिंग पे आओ, तो मैं स्क्रीनिंग पे गया था। फिर उन्होंने एक फिल्म वो कर रहे थे उस वक्त, उसमें एक सीन उनको थोड़ा सा मुझसे उनको मन किया लिखवाने का, तो उन्होंने मुझे बोला कि स्क्रिप्ट पढ़ ले और बता तेरे को क्या लग रहा है। फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ के वापस गया, तो उन्होंने खाना खिलाया और वो उनके बिस्तर पे बैठ के हमने चार घंटे बस बात करी। वो बात करते करते लिफ्ट में आ गए, लिफ्ट में अच्छा 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 चलो यार जाकिर ऐसा ऐसा ठीक है। लिफ्ट खुल गई बिल्डिंग का रिसेप्शन आ गया, और वो बिल्डिंग है रोड पे, बिल्कुल रोड पे ही है वो बिल्डिंग, ठीक है ना। तो मैं बड़ा आदमी कहाँ तक छोड़ेगा भाई तुमको, ठीक है, मतलब मैं मेरे को एकदम एंजाइटी होने लगी कि ये अंदर क्यों जा रहे हैं। बाहर तक आ गया आदमी, रोड पे आ गया, फुटपाथ पे खड़ा हो गया कि रुको मैं रिक्शा पकड़ा देता। मैंने बोला भाई साहब आप हम्बल हो, मैं समझ गया, आप अंदर जाओ, मेरे को अजीब लग रहा है अभी आप अंदर जाओ। खाना बहुत खिलाया उन्होंने हमको, और ऐसे कभी कभार बात होती, एक बार और मिलना था, वो रह गया हमेशा, कोई ना कोई मुलाकात रह जाती है। हाँ एक बार और मिलना था मुझे उनसे, वो उनकी जब तबीयत खराब हुई तब मेरी बीच में बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मुझे बोला था मैम ने कि बीमारी की कुछ बात मत करना, अच्छी अच्छी बातें करना और आ जाओ घर पे। और तो मैं बहुत टोर कर रहा था, 2019 मेरा सबसे बिजी साल था, तो मैं हाँ हाँ ठीक है, मैं थोड़ा भी एक दिन का गैप में लेकर आऊँगा, वो मैं जा नहीं पाया, पर कोई नहीं, इसलिए भी मैं, मेरे को बहुत पसंद है वो लोग, इसलिए भी मैं जाता रहता हूँ। चूंकि आप शास्त्रीय संगीत से इतना नाता रहा है, आपका फेवरेट क्लासिकल म्यूजिशियन आपके? मैं अभी रिसेंटली मैं 3 कॉन्सर्ट्स में गया, तीनों मेरे आर्टिस्ट बहुत फेवरेट हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन, मुझे लगता है कि उनको वो भारत के रत्न, अब अगर कोई है इस वक्त हाजिर नाजिर तो वो जाकिर हुसैन साहब, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और मेरा तो नाम, मैं हम नाम इसलिए हूँ उनका कि मेरा नाम इस बात पे रखा गया कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो उन जैसा मैं बनूँ। तो मैं उनसे जब मिला, मैंने उनको देख के उनके पैर पढ़े और उन्होंने झुक के मुझसे हाथ मिलाया, मैं पैर पढ़ने में उतना नहीं झुका जितना हाथ मिला मैं वो झुके, इतनी शर्म आती है मुझे वो वीडियो देख के। एक तो वो उनसे मिला मैं, कौशिकी जी बहुत सुंदर गाती हैं, उनका कॉन्सर्ट में उनसे मिला, एक तो वो इतना प्यारा गाती हैं और उनके फादर का भी मैं बड़ा फैन था, है ना, उतना प्यारा बोलती भी, इतना प्यारा बात भी, वो बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि बोलो बोलो कुछ नहीं कुछ नहीं बोलो बोलो ऐसा बड़ा एक। अब वो इतनी बड़ी हैं, उम्र में बड़ी हैं, आर्टिस्ट इतनी बड़ी हैं, पर उनसे ना एक ऐसा एक छोटे छोटे का लगाव है उनसे सबका ना, तो हमको कौशिकी जी हम बहुत सुनते हैं उनको, घर में भी हमारे बहुत उनको सुना जाता है, हमको वो बहुत पसंद आई। और नीलाद्री कुमार साहब का जब कॉन्सर्ट हम देखने गए, पापा और मैं साथ में गए थे, उन्होंने बड़े प्यार से हमको ट्रीट किया, ऊपर मॉल का कॉन्सर्ट था तो उन्होंने हमारा नाम लिया और वो सब हुआ और वो सब बड़ा खूबसूरत था। और क्योंकि उन्होंने एक इनोवेशन किया है, इनोवेशन नहीं करोगे तो नहीं होगा। तब जितार जो इंस्ट्रूमेंट, जो कि सारी प्रॉब्लम्स मुझे थी, जो मुझे लगता था जिसके जिसका बेसिस बना के मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे बजाना नहीं है, उस सारी प्रॉब्लम जो है मुझे लगता है कि उसका रास्ता ये था, मैं भी तो कर सकता था ना ये, तो मेरे काम में जो जिस इंस्ट्रूमेंट में मैंने अपना जीवन दिया, उस इंस्ट्रूमेंट को और आगे बढ़ाया है उन्होंने, उसकी जो मशहूरी है, उसकी जो प्रसिद्धि, उसको बहुत उसको पंख दिए उन्होंने, और आज की जनरेशन के लिए थोड़ा और रेलेवेंट कर दिए, कितना सुंदर है ये, और लोगों तक रीच बढ़ा दी उसकी उन्होंने, तो उसके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है, आपकी सबसे पसंदीदा गजल अगर आप अकेले बैठे हैं और आप सुनना चाहेंगे तो कौन सी है? मुझे रंजिश ही सही बहुत पसंद है, दिल ही दुखाने के लिए, और मेहंदी हसन साहब की गजल है, तन्हा तन्हा मत सोचा कर मर जाएगा मर जाएगा। अच्छा ये मैंने नहीं सुनी। तन्हा तन्हा मत, छोटी गजल है वो, फरश शहजाद साहब की, तन्हा तन्हा मत सोचा कर मर जाएगा मर जाएगा। ऐसे अपना आप गवा कर तूने पाया है क्या, मत सोचा कर तन्हा तन्हा। खाली वक्त में, हालांकि आजकल होता नहीं होगा, लेकिन खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? यार मेरे सब दोस्त चिढ़ते हैं इस बात से, मैं न्यूज़ सुनता हूँ खाली वक्त। ए भगवान, हम न्यूज़ वालों ने देखनी छोड़ दी। मैं सारी न्यूज़ सुनता हूँ, मैं 4 चैनल देखता हूँ एक साथ। तो एक कोई इशू होता है तो फिर पहले मैं एक चैनल का व्यू देखता हूँ, फिर मैं दूसरे चैनल का व्यू देखता हूँ। इतना चिल्लाना बर्दाश्त कर लेते हैं आप? मैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक बना दिया मैंने, क्योंकि बात तो काम की एक ही है उसमें, मेरे को जो जानना होता है कि क्या हो रहा है, कि इधर का टेक क्या है और इधर का टेक क्या है और उधर का टेक क्या उधर का है, उससे एक जनरल सेंस आता है आपको कि एक्चुअली चल क्या रहा है, लोग किस तरह सोचना चाह रहे हैं। मेरी बड़ी दिलचस्पी इसमें कि ये क्यों देख रहे हैं,
क्या है बात, तो मैं उसको मन में भी यही सवाल उठता है। हाँ, तो जैसे कि मेरे मन में नहीं उठता ये वाला सवाल, मेरे को ये तो मालूम कि देख रहे हैं, पर मैं वो जानने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली देख क्यों रहे हैं। और मेरी बड़ी एम्पैथी, मतलब मेरा डिस्गस्ट नहीं उसमें। एक कॉमेडी एक्ट न्यूज चैनल्स पर बन सकता है कभी? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना किसी। I have decided one thing. News is something which I passionately follow. Cricket is something which I passionately follow. Indian classical music is something I passionately follow. इन पर मजाक नहीं? नहीं। Never talk on stage about something you're very passionate about. Oh, how beautiful. क्योंकि आपका बहुत ज्यादा पैशन है उसके लिए और लोगों का नहीं है, तो वो बड़ा मिसमैच है वो कॉन्वर्सेशन में, तो ब्रिज नहीं आता है वो। इसलिए तो ये तीन चीजें हैं जिनके बारे में मैं कभी बात नहीं करता। एक बात बताऊं जाकिर, बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आपके कुछ वीडियोस तो देखकर आई थी और एक मन में धारणा बन गई थी आपके बारे में, अभी बहुत स्ट्रांगली हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक जाकिर है जो पूरी दुनिया को दिखाई देता है, मंच पर दिखाई देता है, लेकिन एक दूसरा जाकिर बहुत बहुत डिफरेंट पर्सन है, वो नहीं है जो मंच वाला है। पता नहीं, आपको देखकर बार बार एक फीलिंग हो रही है कि अंदर एक बहुत फिलोसोफर स्पिरिचुअल टाइप का पर्सन है जो अपनी उस आइडेंटिटी को ज़्यादातर नहीं एक्सप्रेस करता सबके सामने। हाँ, पर करने भी क्यों है जब आप मैं आपको कहूं कि साहब आप दुनिया बिरयानी खाती है, साहब मैं कहूं कि नहीं आपको तो साहब मैं कह रहा हूं सुशी खानी चाहिए। दुकान में सामान वो बिकता है जो ग्राहक मांगता है, वो नहीं जो मैं बनाना चाहता हूं, है ना। हो सकता है कि, तो मैं कोशिश करता हूं, मेरा जिंदगी में ये मानना है कि अगर आपको किसी को जहर देना है ना, तो उसको पान में मिला के देना चाहिए। पान में? जी, मीठा कुछ, अच्छा कुछ ऐसा लगे कि उसको एक पेशगी होनी चाहिए सब सब। तो मैं जो भी, मुझे जो लिमिटेड मेरी जो समझ है जीवन की, दर्शन की, अध्यात्म की, जो मेरी समझ है, जो मैंने जीवन में सीखा, जिसको मैं जितना मैं अपने जो अध्ययन से सीखता हूँ, जो मैंने जो सीखा है, जो मैंने बड़े बड़े गुरुजन लोगों उसको के सानिध्य में रह के जो मैंने सीखा समझा है, उसकी किश्त दर किश्त वो मैं अपने काम में ऐसे बुरकता हूँ जैसे कि आटे में नमक। बहुत सटल तरीके से करते हैं आप, कि दिख जाए तो आपका था, नहीं दिखा तो वो तो फनी है भाई, देखो कब मजे करो, हा हा। तथास्तु में आप हंसाते हंसाते कब रुला गए पता नहीं चला, और कब एक बहुत बड़ा संदेश दे गए घर के बड़े बुजुर्गों के सम्मान करने का पता नहीं चला। तो वो मेरा काम करने का तरीका यही है। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपने मेरा वो वीडियो देखा, तो मैंने कहा आपको उसको सबसे अच्छी बात क्या लगी, उससे आपका मैं नाप लेता हूँ कि आपको कितना समझ आता है। तो जब मेरा शो शुरू होता है तो वो सबसे छितला शो होता है, सबसे सतही होता है वो, क्योंकि वो उस टाइम पे इनवाइट करो आप लोग, आ जाओ आ जाओ। मेरा फॉर्मेट एकदम सिंपल, आप मेरे चार शो देखोगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करता हूँ। शुरुआत ऐसे होती है, बिल्कुल एकदम जेनेरिक, एकदम बिल्कुल जो हर आदमी को, हर शिक्षा के स्तर पे आप जहाँ भी खड़े हो आपको समझ में आएगी मेरी बात क्या है। और फिर धीरे धीरे वो एक स्लो प्रोसेस है वो इन्विटेशन की, कि और आ जाओ और बेहतर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को अगर आपने एक घंटे दो घंटे सुना है, तो अब जीवन आप, मैं आपके साथ घर जाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ आपके जीवन में जुड़ के रहना चाहता हूँ, आपकी मेमोरी का पार्ट बनना चाहता हूँ। तो वो मेरी कोशिश है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे वाले दादा ने मुझे सिखाया था कि तीन चीजों से इंसान अमर होता है, एक अपने शागिर्दों से, अपनी नस्ल से अमर होता है, अमर होता है। एक अपने शागिर्दों से, अपनी नस्ल से, कि आपने किसी को कुछ सिखाया दिया, जब तक वो शख्स सिखाई हुई चीज को खा कमा रहा है, उससे अपने बच्चे पाल रहा है, तब तक आप अमर हो, ठीक है। दूसरा इंसान अमर होता है अपने व्यवहार से, ठीक है, कि आपने किसी को क्या खिलाया, क्या दिया, पैसे दे दिए, सबसे बिल्कुल नहीं, आपने उनको कैसा महसूस कराया जब वो आपसे मिले, तुमको कितना वार्म लगा था। लोग याद रखते हैं वो बात, जब तक वो याद करें तब तक अमर हो, तीसरा आप अमर होते अपने काम से। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे काम में मैं कुछ ऐसा सिखा दूँ, है ना, जिसमें मेरा व्यवहार बेहतर निकल के आए। तो तीनों चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करता हूँ अपने काम। आपको बहुत हैरानी होगी शायद ये सुन के, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ओशो को बहुत सुनती हूँ, और आपकी इतनी सारी बातें ना, ओशो कहते थे जब मेरे पास नया नया आता है सन्यासी कोई मेडिटेशन करने, तो मैं छोटी छोटी हल्की बातें से फंसाता हूँ पहले जब वो फंस जाता है तब मैं सही तरह से गर्दन पकड़ता हूँ कि बेटा ध्यान तो ये है। तो बोले वहां तक टिकने, एकदम जैसी आपने बात कही ना, मुझे उनकी वो बात याद आ गई, कितने दार्शनिक से आपकी बात मिल रही है। तो मैं आपसे कह रही थी ना, तौबा तौबा तौबा, बड़ी बात है तो मेरे लिए, तो मैं लायक नहीं हूँ मैं उसके, पर तो मैं वो इसीलिए बोल रहा था कि मैं, बहुत सारे लोग ना कहते अरे जाकिर तो बहुत ऐसे ही है, मतलब तो मुझे समझ में आता है अच्छा इन्होंने शुरू का देख लिया, तो वो भी पर मेरे हिस्से का है, वो मेरे हिस्से का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ बहुत बड़ा है। अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, मेरा इंटरव्यू खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक मैसेज आपको, आपके लिए, बहुत लोगों ने आपकी अलग अलग बातें बताई जो, और कुछ मुझे अपने आप समझ में भी आई, एक ही जो अगले व्यक्ति जो बात कह रहे हैं ना, वो बहुत कम लोगों में होती है जाकिर, अगर आपके अंदर ये है ना तो वाकई बहुत अच्छी बात है।
यार जाकिर के बारे में क्या ही बोलूं, ऐसा क्या है जो दुनिया को नहीं पता। काम के बारे में तो सब जानते ही हैं, पर एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अलग है। ज्यादातर क्या होता है कि आपको ना आपका काम कैसा चल रहा है वो दूसरों के बिहेवियर से पता चल जाता है, चाहे वो कोई भी हो, आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, फैमिली हो, कोई ना कोई आपको एक बार ना एहसास दिलाई देता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, जैसा भी चल रहा है आपको ना लोगों के बिहेवियर से पता चल जाता है। मेरे ख्याल से जाकिर एक अकेला इंसान है कि आपको उसके बिहेवियर से नहीं पता चलेगा कि आपका काम कैसा चल रहा है, क्योंकि आपका काम कैसा भी चल रहा हो, आप लाइफ में कैसा भी कर रहे हो, वो हमेशा आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसा वो हमेशा से करता था। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी बात लगती है जाकिर के बारे में। और मेरा तो पर्सनली, मुझे जब जब ज़रूरत पड़ी है हमेशा वो टाइम से पहले खड़ा मिला है, तो मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है मेरी लाइफ में। चाहे छोटा भाई बोल लो, चाहे दोस्त बोल लो, चाहे मेंटर बोल लो, मतलब मैं बीच बीच में कभी उसका जब शो अटेंड करता हूँ तो मुझे हमेशा शो अटेंड करने का लगता है कि यार जाकिर तेरा शो ना भाई, ये तो क्लास है एक, है ना, ये तो एक यूनिवर्सिटी अपने आप में कॉमेडी की। तो अगर कोई भी स्टैंड अप शुरू कर रहा है या करते हुए कितने भी साल हो गए, मुझे खुद 12-13 साल हो गए, पर जब भी मैं जाकिर का शो अटेंड करता हूँ ऐसा लगता है कि यार कुछ नया सीखा, उससे मिलो तो भी ऐसा लगता है कुछ नया सीखा। इतने सालों से जाने के बाद हर बार मिलने पर ऐसा कैसे लग सकता है कि यार कुछ नया सीखा आज, तो मतलब वो अलग इंसान है यार। मतलब ये बहुत बड़ी खूबी है कि आप किसी को उसके स्टेटस से या उस समय उसका वक्त कैसा चल रहा है उससे आपके रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ता, आप जज नहीं करते लोगों को। क्योंकि मैं इंसान से बहुत, मुझे लोगों से सच में, मैं मतलब कसम खाना तो अच्छी बात नहीं, मुझे सच में वाकई में मुझे लोग बहुत पसंद, मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। मेरे एक अकेला रीज़न, वाहिद वजह जो है, जो जिसके वजह से मैंने अपना नंबर नहीं बदला, वो यही है कि कहाँ कहाँ मिले हुए लोग हैं, कब कब फ़ोन करते हैं। जैसे वो अरुण का फ़ोन आया, सीफी जो चलाते थे उनका फ़ोन आया मुझे कि भाई कैसे, आसपास पहले जी कितने लोगों का फ़ोन आता है, इंदौर के कितने कितने लोगों का फ़ोन आता है, बट आपके बात करने का टाइम हो पाता है? जिस दिन जब उठ गया तो उठ गया, बिल्कुल बात कर लेते हैं। मिस कॉल का कॉल बैक है, मैसेज का कोई मेरा, मैं तो माफ़ कर चुका अपने आपको साफ, ये बात बता दूँ कि व्हाट्सएप का मैं साफ, मैं कोई गारंटी नहीं लेता उसकी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर मिस कॉल का है कॉल बैक, उसका एक नियम है, तो इसलिए भी मैं नंबर नहीं बदलता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कोई कोई फ़ोन कॉल आपका जीवन बदलता है। एक कहानी छोटी सी मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। ऑफिस में ख़राब चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ये वो बन रही नहीं बन रही, खराब मतलब वो छोड़ते वक्त तक तो ऐसा हो गया था कि बताओ भाई तुम जाओगे कि हम निकालने टाइप का, बस दिल्ली में हाँ वो घसते वहाँ पहुँच गए थे हम, वहाँ उधर बड़ा सा ह्यूमिलिएटिंग सा लगता था, बड़ा सा ह्यूमिलिएटेड लगता था पूरे टाइम। हर दिन आपको लग रहा है कि मतलब जाने में आपको लग रहा है कि क्यों जाता हूँ मैं यहाँ पे, कि कुछ और काम की अगर कुछ भी बन जाएगी, मतलब एनीथिंग वुड हेल्प, उस तरह के जहनीत के साथ आप जिंदगी जी रहे हो। और मुझे महेश भाई हमारे होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कोविड में वी लॉस्ट हिम, उनका फ़ोन आया, मैं नौकरी की रिज़ाइन करने के ठीक 2 दिन पहले उनका मुझे फ़ोन आया, और तब तक दिल्ली में, इंदौर से मेरा रिश्ता भी कम हो चुका है, घर वालों से भी बहुत लड़ाई है, तो उतनी भी बातचीत उनसे नहीं होती, बड़ा अकेला सा महसूस हो रहा है, सब जीवन में प्रेम में भी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा होगा, 10 तरह की वो एक मुसीबत एक साथ थोड़ी आती है, वो सब कुछ क्लस्टर में आता है ना, दिल्ली की नौकरी सब कुछ एक साथ ही होता है, सब पर फाड़ के देता है, बड़ा ऐसे से चल रहा था। उन्होंने बोला कि यार जाकिर भाई यार आपसे बात करनी थी, मैंने हाँ बोली ना, बोले जाकिर भाई यार मैं वही कह रहा था, वो किसी को फलाना नहीं, उन्होंने 2-3 एक तो मुझे बचपन के अपने किस्से सुना दी कि वो फलाना आपने किया था ना वहाँ पे, मज़ा आ गया था मेरे को, तो ये यार वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी और ज़माने की बात है, वो किसी और शख्स की बात है, इतना लो ऑन कॉन्फिडेंस था मैं उस लम्हे। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया कि उसको मैं मैथ्स दिलाऊंगा ताकि इंजीनियरिंग करके ना वो फिर जाएगा बाहर पढ़ेगा, तो फिर हॉस्टल में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फलाने का कह रहा है क्योंकि ना मैंने बचपन, मैंने जब आपको देखा था ना तब मैंने सोच लिया था यार कि मेरे को ना आपके जैसा बनाना है अपने बेटे। जिस वक्त उन्होंने मुझे कहा मेरे आंसू निकल गए, क्योंकि मैं इतना लो सेल्फ एस्टीम पे उस वक्त था, और मुझे वो लगा कि नहीं यार इस है इस ये 50 लोगों के अलावा बहुत इज्जत है मेरी यार, मैं कुछ करता था पहले, कुछ था मैं जिससे मिलता था उस पर एक मेरी उंगलियों के निशान थे उस जगहों पे जहाँ पे मैं रह के आता था, और ऐसे थोड़ी वैसे थोड़ी क्या मरने थोड़ी आए हैं यहाँ पे कि उन लोगों में से थोड़ी है जो, तो विश्वास। और मैं जब हॉस्कस विलेज में चलते थे ना खाना खा के वापस, अंधेरी सुनसान गली, तब हॉस्कस विलेज का नाम नहीं था, तो हम ना 8 बजे के पहले आते थे, क्योंकि ना 8 बजे के बाद ना वहाँ पे अमीर घरों के लड़के ना रेस लगा देते फरारी मर्सिडीज में। मैंने कहा यार अखबार में नाम चाहिए भाई कम से कम मरने पे, ये नहीं होना चाहिए कि फरारी से 2 युवकों को गुजला, वो 2 युवक नहीं चाहिए, नाम चाहिए भाई कि ये आदमी मरा है।
तो वो सोचने वाला लड़का 5-7 साल बाद ये सोच रहे कि यार क्या ये मतलब अगर ऑफिस में इज्जत नहीं है तो क्या दुनिया में इज्जत नहीं है क्या? तो बोलता है नहीं यार कुछ तो दुनिया में ठीक ठाक मेरे संबंध है, मेरे व्यवहार है मेरे लोगों के साथ, और अगर वो इज्जत करते हैं तो कुछ करता होगा मैं कर लूँगा बेहतर। उसके 2 दिन बाद मैंने रिजाइन किया। और रिजाइन किया इसलिए मुंबई आए या मुंबई आना ही था? नहीं मुंबई तो आना ही था, पर रिजाइन करना एक अपने आप में एक मिडिल क्लास जिसने अपने फादर को 27 साल एक ही ऑफिस रोज तैयार होकर जाते हुए देखा है, उसके लिए नौकरी मिल जाए। लोग पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ? अरे यहीं भाई, हमारी हिम्मत है क्या छोड़ने की? हैं बिल्कुल आपके चरणों में प्रभु, कहां से छोड़ेगा आदमी नौकरी? तो वो फैसला अपने आप में एक इतनी मिन्नतों जारियों से आपको एक नौकरी मिली है उसको कैसे छोड़ोगे आप? वो लोग आपके लिए भगवान तुल्य हैं जिन्होंने दे दी, चाहे आपके पे स्केल में और आपके बराबर जो आदमी जो बराबर काम करता है उसके पे स्केल में 3x का फर्क हो, क्योंकि आपने तो पहली नौकरी करी और बहुत कम में आप मान गए थे शुरुआत में, तब आपको अकल भी नहीं थी, मालूम भी नहीं था, उसका मेहनताना तक नहीं निकल रहा है आपको, आपके पियर और आपके इतना पैसे का इतना अभाव है उस पूरे ट्रांजेक्शन में। वो लोग तो आप बोल रहे हैं ऑफिस में, तो चलो गाइस इसका बर्थडे कॉन्ट्री करते हैं 500 रुपये का। आपका 500 रुपये तो 19,000 में 500 रुपये बहुत ज़्यादा है भाई ठीक, मेरा 2 टाइम का खाना निकल जाएगा भाई, मुझे किराया भी तो देना है 8,000 रुपये, मुझे आना जाना भी तो करना है, रोज़ के 200 रुपये मेरे आने जाने के लग रहे हैं दोपहर में खाने का, तुम 500 रुपये कॉन्ट्री तुमको चलती 27 तारीख को, मुझे नहीं चलती। मतलब वो सब भी तो है बहुत, इसीलिए जब अमीर लोग ये बोलते हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है या उन्हें इमोशनली वो सेटल फील नहीं करें या मेंटली उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए एक बड़ा तबका जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर आपका 24 घंटा ही सिर्फ हिसाब किताब में जा रहा है कि इस दिन इतना कर लूँगा तो फिर उसके बाद 30 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, उसको तुम ये बोल रहे हो कि पैसे तो बहुत है भाई साहब पर मज़ा नहीं आ रहा तो बोलेगा भाई मुझे दे पहले, सही बात है, पहले मुझे दे दे मैं देख करके दिखा दूँ तुझे। इस देश की एक बड़ी आबादी है 60-70% लोगों को, जिनको अगर आप उनके 3 महीने की भी तनख्वाह आप दे दो तो उनको ऐसा लगेगा कि हो गया कुछ। हो गया। सही बात है। तो बहुत सारे लोगों ने हमको मतलब नाम, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल मोमेंट था मेरी लाइफ का। जो पता नहीं आपने क्या सवाल पूछा था, मैंने आपको बस सुना दिया। नहीं ठीक है, लेकिन आपने मुझे एक सवाल दिया, जाहिर सी बात है सब बहुत अच्छे नहीं मिलते, हम अच्छों को याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन डू यू स्टिल होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन कि मेरे साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया, या आपने उन लोगों का व्यवहार बाद में बदलते देखा अपने सक्सेस के साथ? मैं अच्छा मैं उस इसमें दोनों बातें हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उन लोगों की जो अपना व्यवहार बदल सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों गलत माना जाता है, क्योंकि हाँ वो आदमी अपनी बात से मुकर पा रहा है यार, ये बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन वो आपके हालात देख कर बदला है, कोई बात नहीं कितना समझदार आदमी प्रैक्टिकल है। हाँ यार इसकी तो इज्जत करनी चाहिए, और इसके अंदर आप एक चीज नहीं कि उन्हें पर्सनल ग्रोथ कि क्या पता आप एक्चुअली उतने ही तिरस्कार के लायक आदमी थे उस टाइम पे, तो अपनी पर्सनल ग्रोथ भी तो काउंट करो भाई, कि क्या पता आप बेटर ह्यूमन बींग आप हो गए कि 4 लोग तुमसे बात करने आ रहे हैं, ठीक है एक बात तो है। दूसरा ग्रज में होल्ड करता हूँ, आई फॉरगिव द पर्सन, आई कीप द इंसिडेंट एंड लर्न द लेसन। लेसन तो वो तो लर्न ही है, पर आई कीप द इंसिडेंट, आई फॉरगिव द पर्सन। और वही व्यक्ति वापस मिलने आए कुछ है तो क्या उसी वार्मथ से मिल पाते? मैं तो बिल्कुल मिलता हूँ, मैं उसको सबसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको वो जो सबसे अपने इंसान होने का जो सबसे उसका पीक था ना, और वो उस पीक में जो मुझसे बातचीत हुई थी, मैं उस इंसान को वैसे याद रखता हूँ। जो भी बेस्ट मोमेंट, जो उसका बेस्ट मोमेंट है, एक मेरे ऑफिस के जब सबसे खराब दिन चल रहे थे, आखिरी दिन थे फैमिली डे, लंबा हो रहा है क्या? नहीं ठीक है। मेरे ऑफिस में आखिरी दिन चल रहे थे, तो उस वक्त हमारे जो बॉस है इमोशनल थोड़ा सा हमको समझ आता है, तो फैमिली डे मन रहा था, हमने तो मना कर दिया हम नहीं आएंगे फैमिली डे पर, मना कर ठीक है कोई बात नहीं। अब कुछ और लोग थे जिनकी फैमिली से लोग नहीं आ पा रहे थे, बाकी सब लोगों को तो बोला कि फैमिली लेके आओ, अपने पार्टनर्स को लेके आओ, तो उन्होंने 4 लड़के 1 लड़की की लिस्ट दी मुझे कि यार इन लोगों के परिवार वाले आ नहीं पा रहे, इनके फैमिली का इंटरव्यू लेना है, और इमोशनल कॉन्टेंट में अपना भयंकर अपना मास्टरी था साहब, अपना बिल्कुल अपन जिंदगी लाइफ की ट्रेनिंग लेके आए थे, अपने को मालूम था कि कौन से म्यूजिक कट पॉइंट पे आंसू का ड्रॉप आना चाहिए, तो ये अपनी ट्रेनिंग थी सामने, अपन तो बिल्कुल ही इसमें एकदम पांडित्य हासिल था अपने को, तो हमारी बिल्कुल ही सब हमारे इमीडिएट बॉस थे उनसे संबंध बिल्कुल खराब थे उसके, उन्होंने फिर भी हमको बुला के बोला कि साहब ये तो वो वाला है कि ये काम तो टाइगर ही कर सकता, तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें जाकिर ये करना है, और बिल्कुल टियर गैस चाहिए, ये हमारा कोड टर्म था कि टियर गैस मतलब आदमी जो
फट जाना चाहिए कलेजा उसका। मैंने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ मैंने कागज उठा के नाम देखा, ये पांचों लोग मुझे एक्सट्रीमली नापसंद। ओह माय गॉड। और उनकी फैमिलीज के पास जाना है, फोन पे बात करनी है। अच्छा, फोन। जब मैंने उन पांच लोगों के बारे में, जब उनके घर वालों से बात करी और जिस अंदाज में, लहजे में उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बात करी, वो इतना सुंदर था, वो इतना रिजॉल्विंग था कि मैं क्या ग्रज होल्ड करूँ। एक इंसान को आप एक लिमिटेड टाइम से के लिए मिलते हैं और उस लिमिटेड टाइम के जो उसके एक्शन होते हैं उस पर आप उसको जज करते हैं। उसका जीवन इतना बड़ा होता है, एक इंसान का जीवन एक नहीं, वो तो इंसान ही खराब, वो इंसान तो बहुत तरह का है यार। वो खराब भी है, अच्छा भी है, वो किसी का बच्चा भी है, वो किसी का बाप भी, वो सब है, वो सब लोग सब होते हैं। तो मैं अपनी बेहतरी के लिए मैं बचपन से ही कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत जजमेंटल फैमिली से, आर्टिस्ट ना हम लोग तो खट से पहचान लेते हैं कि आदमी कैसा कैसा है, दो मिनट में एकदम बिल्कुल रीडिंग आती है हमको, ठीक है। तो उसमें क्या कमियाँ बहुत देखने की आदत है हमको, तो हम बोला यार पूरे टाइम क्या कमी दिखते रहते हैं लोगों की। और तो मैंने उसी आदत का, जो ऑब्जर्वेशन का जो पूरा आदत थी, उसको फ्लिप कर दिया। तो मैं हर इंसान को 10 में से 12 देता हूँ कि ये बेहतरीन शख्सियत से मुलाकात हुई। तो जब मैं इतना ओतप्रोत ओ में होता हूँ उनके, तो मुझे उनकी जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब पहले ऊपर उठ उठ के मुझे नज़र आती हैं, वो मैं सब बटोर लेता हूँ। मैं सीखता हूँ उनसे, मैं समझता हूँ कि अच्छा यार ये सुंदर चीज़ जो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी तो करनी चाहिए ना, ऐसी बात है। तो मुझे इतना मदद करता है। और उसके बाद इंसान जैसे भी जो भी उनका होता है, मैं बहुत ज़्यादा जज भी नहीं करता, मैं इसलिए भी बहुत रिस्पेक्ट से रहता हूँ क्योंकि मेरा गुरु एक नहीं है, मेरा गुरु हर वो इंसान है जो मुझसे मिला। ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत जीवन में जिसने मुझे फायदा दिया। तो उन लोगों के साथ भी जब मैंने उन लोगों के माँ से जब बात की तो मुझे इतना सुंदर लगा, मुझे इतना प्यारा लगा वो अनुभव। मेरा एक्चुअली लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए कि यार ठीक है चलता है। दैट्स व्हाई आई फॉरगिव द पर्सन, आई कीप द इंसिडेंट। आपको एक और चीज़ का लालच है कि आप जब मरे तो बहुत सारे लोग आए, ये इसके पीछे क्या वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जीते जी जो है साथ वो है ना, कैसे कि जब तक आप जिंदा हैं, हाजिर नाजिर हैं, तब तक तो आंखों की भी शर्म होती है कि अरे वो बुला रहे हैं यार, अरे दो बार फोन आ गया उनका, ठीक है चलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। पर आप मर गए तब तो कोई नहीं देख रहा। उस किसी की मैयत में जाना, किसी की बैठक में बैठना, किसी के जनाजे में शरीक होना, किसी के उठावने में रहना, कोई देख तो रही, वो तो इंसान देख भी नहीं रहा, वो नहीं देख रहा है ना। पर आप क्यों शरीक होना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान का मुझसे एक रिश्ता है, एक जीवन में रहा, एक बातचीत हमारी हुई थी जो रह गई थी, वो इतनी जरूरी है। कि कितने लोगों का जीवन आपने छुआ, कितने लोगों को लगा कि नहीं यार यहां तो जाना पड़ेगा, यार नहीं यार ये तो करना पड़ेगा ना। और जीवन ऐसे जल्दी से चला जाता है आपका। तो हमने बचपन में एक फिल्म देखी थी नौ निहाल नाम की, ठीक है, वो इस बारे में कि प्राइम मिनिस्टर से एक बच्चे को मिलना है और वो जब पहुंचता है तब तक उनका अंतकाल हो चुका होता है, देहांत हो चुका होता है उनका। तो उस फिल्म में उन्होंने पंडित नेहरू के के वो मेरी आवाज़ सुनो, मैंने सीने पे एक फूल सजा रखा है, उसके पर्दे में तुम्हें दिल में सजा रखा है, इतना सुंदर गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब का। तो उसको जब मैंने देखा, मैंने कहा इतना कितना ग्रैंडियर हो सकता है मतलब किसी की मौत का, कि कितने सारे लोगों के जीवन का हिस्सा आपको होना पड़ेगा तब जाके इतने लोग आपकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। उन सब लोगों को कुछ मिलता रहा, कोई पैसे थोड़ी मिल रहे, उनको बस ऐसा लगता है कि होना चाहिए। और फिर हमने बहुत लोगों का देखा, मतलब अब्बा जी का जब हुआ तब हमने देखा, तो हमें लगा कि यार उस वक्त जो प्योरिटी होती है ना इमोशन की किसी आदमी से रिश्ते की, वो बहुत खालिस होती है, वो बहुत मतलब वो निहार होती है, वो अनटच होती है, सेल्फलेस होती है। हाँ बहुत एक जीवन का एक लार्जर की सब चला जाना भाई खट से जाता है, वो सब रियलाइजेशन का टाइम होता है वो उतने सारे लोगों का। तो वो मेरा बड़ा ख्वाब है, इसीलिए एक वो शेर लिखा था कि साहब कि मेरे दो चार ख्वाब है जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, जिंदगी चाहे घुमनाम रहे, मौत शोर चाहता हूँ। मरे तो अल्लाह, अरे यार जाकिर भाई थे तो बढ़िया आदमी। अभी क्यों हम इस तरह की बात करें, आपको ऊपर वाला बहुत बहुत लंबी उम्र दे। आज देश के कोने कोने में, हर शहर में, गांव कस्बे में बैठे वो जाकिर खान को, ये वाला जाकिर खान क्या मैसेज देना चाहेगा जो कुछ जूझ रहे हैं किसी किसी कन्फ्यूजन से लाइफ में या संघर्षों से? बस ये कहना चाहूँगा कि दोस्त मैंने करके देखा है, हो जाता है, हो जाएगा, आ जाओ। अरे आपने आ जाओ कह दिया, सब बॉम्बे ना आ जाए। आ जाएंगे वो अपने अपनी, उनको अकल है इतनी। उनको पता है कहाँ आना है उनको। अच्छा आपको यहाँ से कहाँ जाना है?
कुछ नहीं, वही हम तो बहुत मेहनत करें, हम तो बहुत काम करें, बड़ा आदमी बनने। तो बड़े आदमी तो बन गए ना पापा ने, पापा किसी मुकाम तक पहुंचे हैं। जब पापा बता देंगे कि बेटा हो गया तो उस दिन फ्री हो जाएंगे फिर। क्या बात, थैंक यू सो मच जाकिर खान, हमारे लिए इतना सारा आपने वक्त निकाला, कुछ छोटे छोटे तोहफे हम आपके लिए लेकर आए। जी बताइए। अब आ रही है फाइनली वो चीज। अरे अरे भाई ये कहाँ से लाई हैं आप? अरे दिल्ली से लाए हैं हम। मैं करता हूँ मुझे दीजिए। आपको पता है कैसे आया आप? नहीं, अरे बहुत भारी होता है वो नहीं, और इसकी दो लेयर्स हमने निकाली हैं। अच्छा वो तो फ्लाइट में। जी 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 जी, ये आपके लिए बहुत हम लोग शिद्दत से लेकर आए, क्योंकि मैं बहुत शुक्रिया साहब, ये बहुत बड़ी चीज है। ये सुंदर दिया, बहुत सुंदर से है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज रियली स्वीट। तो थैंक यू वेरी मच, ये मेरा ख्वाब था कि ये सितार मेरे पास हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया चाची। ये दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर लाइफ एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस।